रघुनाथ प्यारे, श्री सतगुरु महाराज श्री जियावर धाम तीनों पुरी बोल बोल पंजे समस्त सुंदर प्रणाम सुंदर साज धनिये न छुड़ायो लाकतली लाल एड़िया मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन इन पाँव तले रहू धनी न खोलो बातों पल न वाड़ू निरखु नेत्रे मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार सर्वशोभा देने योग्य हो श्रीलीला नित्य विहार श्रीलीला नित्य विहार बोले श्री प्राणनाथ प्राणाधार आत्म संबंधी धाम धनी ना लाडला एवं प्यारे सुंदर साथ जी तुम्हारे सी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्राणाधार सुंदर साथ जी कल के घटनाक्रम में हमने ये सृष्टि कैसे बनी क्यों बनी ये बनाने का क्या कारण हुआ उसके बारे में हमने वैदिक मान्यता और पौराणिक मान्यता दोनों का मिलान करके कल हमने 14 लोक अंतर्गत एक ब्रह्मांड बोलते हैं तो हम 14 लोक तक पहुंचे और उसके आगे आज हम पौराणिक मान्यता और वैदिक मान्यता क्या कहती है। वास्तव में वैदिक मान्यता ही यथार्थ सत्य है और पौराणिक मान्यता में अलग अलग विद्वानों की जो विचारधाराओं से पुराणों में कई गप्पों की बन भरमार है। तो प्राणाधार सुंदर साहब जी हम आगे 14 लोक के ऊपर हम पौराणिक मान्यता के आधार पर अष्टावरण समझते आ रहे अभी तक। तो क्या 14 लोक के ऊपर अष्टावरण है क्या? उसमें हम समझते आ रहे कि 5 तत्व पंच महाभूत मन बुद्धि और अहंकार पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार तो स्थूल तत्व जो है उसके आसपास तो सूक्ष्म तत्व घिरे रहते हैं परिक्रमा करते रहते हैं लेकिन सूक्ष्म के आसपास कभी भी स्थूल पदार्थ घूम नहीं सकते फिर नहीं सकते परिक्रमा नहीं कर सकते। जो 5 तत्व की हमने अभी बात की पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश उसमें आकाश और वायु सूक्ष्म है पृथ्वी जल और अग्नि तीनों स्थूल है तो 5 तत्व उसके आसपास में ये तीनों तत्व को छोड़कर पृथ्वी जल और अग्नि तत्व को छोड़कर वायु और आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये तीनों के आवरण घिरे रहते हैं क्योंकि हमने सृष्टि रचना में हम आगे भी देखेंगे अभी भी मैं बता रही हूँ कि ये सृष्टि की रचना जो हुई सबसे पहले आकाश की हुई उसके बाद वायु उसके बाद अग्नि उसके बाद जल और उसके बाद पृथ्वी तत्व की रचना हुई। और कल भी हमने देखा कि ऊपर वाले जो 6 स्वर्ग की बात पौराणिक मान्यता के आधार पर बताई गई है जिसमें भूलोक अंतरिक्ष में
ये सातों लोक समाविष्ट हो गए। स्थूल जो लोक है जहां शरीरधारी स्थूल जीव रहते हैं वो सूक्ष्म अंतरिक्ष में समाविष्ट हो गए, तो ऊपर वाले जो छह लोक रहे उसमें स्वर्ग, महर, जन, तप और सत, ये छह जो लोक है वो सुखमय अवस्था है, स्थान विशेष नहीं है। वो सुखमय अवस्था में वहां योगी एक सुखमय अवस्था तन मात्राओं के साथ निर्विकार रूप में, संसार जैसी निर्विकारिता वहां नहीं है, निर्विकार रूप में वहां सूक्ष्म अवस्था में ये सुखमय लोकों की भोग करते हैं, तो इसलिए उसको लोक कहकर संबंधित किया गया है। और सुंदर साहब जी हम आगे जाएंगे तो ये जन तप सत जो लोक है स्वर्ग वो इतने सूक्ष्म है कि उसको गुणंग इंद्रियों मन बुद्धि के धरातल पर हम नहीं देख सकते। तो हम ये भी एक बात का प्रश्न उठते हैं कि उसके पास पृथ्वी जो सूक्ष्म तत्व है, मन बुद्धि अहंकार आकाश और वायु, उसके आसपास उसके परमाणु घिरे रहते, स्थूल पदार्थ के परमाणु घिरे रहते हैं, तो वहां भी एक प्रश्न खड़ा होता है क्योंकि परमाणु तो ये पृथ्वी के एक सूक्ष्मतम कण है, क्योंकि परमाणु की उत्पत्ति हुई नहीं थी तो कैसे ये बात बन सकती कि ये उसके आसपास गिरे रहते हैं। उसके आगे हम देखेंगे कि जब ये परमाणु का एक बार परिमंडल बनता है उसको विज्ञान के आधार पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों परमाणुओं का जब एक समूह पूरा परिमंडल बनता है, जब ये परमाणु निष्क्रिय रहता है तब तक ये सृष्टि रचना का कार्य आगे नहीं बढ़ता। जब उसमें एक शोभ होने लगता है, कंपमान होने लगता है, तब सृष्टि रचना का कार्य आगे बढ़ता है। और आगे हम देखेंगे सुंदर साथ जी, सृष्टि रचना का कार्य की बात एक वैदिक मान्यता में भी बताई गई है कि सत, रज और तम की तीनों की जब साम्य अवस्था होती तब परमाणु में विक्षोभ उत्पन्न होता और कंपमान होता और सृष्टि रचना का कार्य आगे बढ़ता। यही बात एक जगह वैदिक साहित्य में पण बताई गई है कि वायुमंडल में ये स्थूल पदार्थ के सात तत्वों की भी बात बताई गई है, लेकिन आठ आवरण नहीं बताया गया। किसमें? वेद में, पौराणिक मान्यता में अष्ट आवरण की बात बताई गई। इसी तरह गीता में भी एक अष्टधा प्रकृति की भी बात बताई गई है। गीता में बताया कि मेरी अष्टधा प्रकृति क्या है, कि जैसे मेरी परा प्रकृति से परे, मेरी परा प्रकृति से परे एक कारण रूप प्रकृति जब कार्य रूप में परिवर्तित होती है तब ये जगत, ये सृष्टि बनने का कार्य शुरू होता है, तब ये आठ रूपों में परिवर्तित होती है, ऐसे अष्टधा प्रकृति करके बताया गया है। ऐसे सुंदर साथ जी आठ आवरण की बात गीता में भी इस प्रकार बताई गई है, लेकिन अष्ट आवरण की बात नहीं बताई गई है। ये पौराणिक मान्यता के आधार पर है। ऐसे उसके आगे हम सात शून्य की भी बात जानते आ रहे हैं ना अभी तक पौराणिक मान्यता के आधार पर। अष्टावरण के ऊपर क्या आया है? सात शून्य। तो सात शून्य किसको कहते हैं? जैसे एक सूर्य आकाश में उगा हुआ है, ऐसे एक मटके पानी के भरे हुए हैं, उसमें भी सूर्य का एक प्रकाश पड़ता है, तो एक मटके के अंदर, एक घड़े के अंदर भी हम एक सूर्य को देखते हैं, तो दो सूर्य हो गए। लेकिन ऊपर वाला सूर्य भी अलग है और जो घड़े के अंदर जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो सूर्य भी अलग है। जो घड़े के अंदर प्रतिबिंब पड़ रहा है उस सूर्य को हम घटाकाश कहते हैं। वो सूर्य को हम क्या कहते हैं? घटाकाश कहते हैं, क्योंकि वो प्रतिबिंब है ना ओरिजिनल रियल सूर्य का। ऐसे ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों दिशाओं में चार शून्य
जैसे सात शून्य की ओर हम समझने जा रहे हैं, तो पृथ्वी की चारों ओर चार दिशाओं के चार शून्य और बीच में मध्य में एक शून्य, तो पांच शून्य हो गए। तो उसको ऐसे वर्णित किया गया है, उद्धव शून्य, अध: शून्य और मध्य शून्य। उद्धव शून्य, अध: शून्य और मध्य शून्य। और उसके बाद सुंदर साथ जी, जो सात शून्य की बात हम समझते आ रहे अभी तक, तो कारण प्रकृति, जो ये कारण प्रकृति है ना सुंदर साथ जी, जैसे मोह सागर से कारण प्रकृति, और कारण प्रकृति से महत्त्व, और महत्त्व से अहंकार, और अहंकार से तन्मात्राएं, और तन्मात्राएं से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी तत्व की रचना हुई। तो ये जो कारण प्रकृति है, उसमें जब विक्षोभ उत्पन्न हुआ, कारण प्रकृति में जब विक्षोभ उत्पन्न हुआ, तो उसके बाद महतत्व की रचना हुई। तो महतत्व के बाद अहंकार की रचना हुई, लेकिन ये दोनों की रचना तो हो गई, लेकिन हमारी सूक्ष्म इंद्रिया से उसको देख हम नहीं पाए, वो अव्यक्त ही रहे, सूक्ष्म भी रहे और अव्यक्त भी रहे। और अव्यक्त अहंकार और महतत्व से जब इंद्रियों की रचना से वो आकाश की रचना हुई, तो आकाश की व्यापकता से आकाश में वो व्याप हो गया ने कौन, ये शून्य। जैसे अंधकार की बात हम समझ रहे हैं ने, तो आकाश की व्यापकता को लेकर वो अव्यक्त होने के कारण उसको शून्य की एक उपाधि दी गई। इसलिए हम जो सात शून्य को अभी तक समझते आ रहे थे, उसमें पांच शून्य हमने पहले समझे, पृथ्वी की चारों दिशाओं के चार शून्य और मध्य के एक, ये शून्य मध्य वाला पांच शून्य यही, और दो और महतत्व और अहंकार, ये सात मिलकर सात शून्य की बात वैदिक मान्यता के आधार पर कही जाती है। और उसके बाद सुंदर साथ जी हम समझेंगे क्या आएगा, ज्योति स्वरूप, जिसको हम ज्ञान शक्ति गायत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम ज्ञान शक्ति गायत्री कहते हैं। ज्ञान शक्ति गायत्री आज हम समाज में देखते हैं, तो समाज में गायत्री को क्या बना दिया, समाज के मानव ने क्या बना दिया, एक देवी बना दिया, और देवी के रूप में उसकी पूजा और आराधना करने लगे ने। गायत्री कोई देवी नहीं है, गायत्री एक वेद का छंद है। क्या है? गायत्री एक वेद का छंद है। गायत्री जितनी बार वेदों में गायत्री छंद की व्याख्या की गई है, गायत्री छंद में 24 अक्षर आते हैं। कितने अक्षर? 24 अक्षर आते हैं। और गीता में भी गायत्री छंद के बारे में कहा गया है, गीता कहती है कि गायत्री छंदसा अहम, मैं गायत्री एक छंद हूं। गीता ने क्या कहा? मैं गायत्री एक छंद हूं, मैं देवी नहीं हूं। और एक धर्मशास्त्र में भी प्रमाण दिया कि स्तुता मया वरदा, गायत्री स्तुता मया वरदा, गायत्री माता के पाव मानी द्विजा नाम। और आगे भी बताया कि गायत्री का मंत्र वेद में सुंदर साजी एक बार ऋग्वेद में आया है गायत्री मंत्र, एक बार सामवेद में भी आया है, और अजुर्वेद में तीन बार आया है गायत्री मंत्र। कितनी बार? तीन बार आया है। और अजुर्वेद के 36वें अध्याय में तीसरे श्लोक में पूरा गायत्री मंत्र आया है, और जगह जो गायत्री मंत्र आया है उसमें सवितुवर्ण्यम वहां से शुरू हुआ है, लेकिन अजुर्वेद के 36वें अध्याय के तीसरे मंत्र में पूरा गायत्री मंत्र आया है। उसमें बताया कि भू भुअस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये पूरा मंत्र गायत्री
कहाँ आया है? यजुर्वेद के 36वें अध्याय में आया है। बाकी जगह सवितु वरण्यम वहां से ही शुरू हुआ है। गायत्री में जो अभी मैंने मंत्र बोला उसमें एक सच्चिदानंद परब्रह्म की ही उपासना है, उसमें कोई देवी की उपासना नहीं है। उसके बाद नारायण, नारायण के जो चार व्यू, नारायण के चार व्यू संकर्षण, बद्युमन, वासुदेव और अनिरुद्ध, ये चार व्यू हम आज दिन तक पौराणिक मान्यता से समझते आ रहे हैं। जो नारायण के, आदि नारायण के चार व्यू है, लेकिन ये पौराणिक मान्यता के आधार पर है। ये चार व्यू में हम समझेंगे तो वासुदेव कृष्ण को कहा गया है। क्या कहा गया? वासुदेव कृष्ण को कहा गया है। और वसुदेव के जो एक दूसरे लड़के बलराम, जिसको हम संकर्षण बोलते हैं, और पद्युमन ये कृष्ण के पुत्र है, और अनिरुद्ध ये कृष्ण के पोते है, लेकिन पुत्र के पुत्र, पद्युमन के लड़के अनिरुद्ध है। तो बताइए सुंदर साथ जी, आज से 5000 साल पहले, आज से 5000 साल पहले यहाँ की प्रतिबिंब जो व्यवहारी की लीला हुई ने, जो गोकुल और मथुरा की गोसाजी परंपरा में बल्भाचार्य जी, जो पुष्टिमार्ग संप्रदाय जिस लीला को गौलोक की तत्व श्री कृष्ण जी को एक आराध्य इष्ट रूप में जो मानते आ रहे हैं, उसका टाइम अभी तक 5000 साल हुआ। कितना हुआ? 5000 साल। तो ये बात नारायण की बात है, वो तो सृष्टि के प्रारंभ की है, तो तभी ये कृष्ण भी नहीं थे ने, संकर्षण भी, बलराम भी नहीं थे, तो अनिरुद्ध प्रद्युमन की तो बात ही नहीं आती। कृष्ण नहीं है तो अनिरुद्ध प्रद्युमन की तो बात ही नहीं आती। और सृष्टि के प्रारंभ से नारायण की उत्पत्ति में दो दिन से बताती आ रही हूं कि सृष्टि के प्रारंभ से जो पहले नारायण की उत्पत्ति होती है और नारायण के संकल्प से यह सब उत्पत्ति होती है ने सुंदर साथ जी। तो ये सृष्टि की रचना हुई उसका समय काल, ये सृष्टि की रचना का समय काल अभी तक 1,96,53,08,114 साल हुए। कितने? 1,96,08,53,114 साल हुए। यह सौरमंडल, यह जो हम रह रहे हैं, वो ब्रह्मांड की मैं बात कर रही हूं। और आगे हम जाएंगे तो नारायण को हम समझेंगे सुंदर साथ जी। तो नारायण, कल भी मैंने थोड़ा इशारा संकेत तो इसकी ओर दे दिया था, और नारायण को महाकारण स्वरूप, मोह सागर या कारण प्रकृति, ये तीनों को अलग करके हम समझेंगे। तो मोह सागर क्या है, महाकारण क्या है और कारण प्रकृति क्या है? मोह सागर इसको कहते हैं सुंदर साथ जी कि अक्षर ब्रह्म के चार पादे। कितने पाद? अक्षर ब्रह्म के चार पादे। हमारे वेद कितने हैं? चार वेद। चार वेद में, चारों वेद में, चारों में पुरुष सूक्त आया है। चारों वेद के चारों पुरुष सूक्त में ये अक्षर ब्रह्म की चारों विभूति पाद का वर्णन किया गया है। चार पाद क्या क्या है? सतस्वरूप, केवल ब्रह्म, शबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म। ऊपर से ले अहंकार, बुद्धि, चित और मन। तो चारों पाद अक्षर ब्रह्म के जो चार पाद है उसमें मैंने कल भी बताया था कि मूल प्रकृति सत्स्वरूप है।
तो वहां से चिदानंद लहरी फिर सुमंगला पुरुष, ये मैं कल विस्तार से वर्णन कर दिया है। और उसके बाद वो शक्ति अव्याकृत के स्थूल में रोदिनी और प्रणव ब्रह्म, वो प्रणव ब्रह्म को वेदांत दर्शन में भी सबल ब्रह्म ईश्वर वो कह के भी वर्णित किया गया है। तो अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म का मन का प्रतिबिंब स्वरूप जो अव्याकृत है, वो अव्याकृत सूक्ष्मतम अव्यक्त होने के कारण सूक्ष्मतम अव्यक्त जो अचिंतनीय के मन से उसका चिंतन नहीं कर सकते हम, अचिंतनीय उसको मोह सागर किया गया, कहा गया, क्या कहा गया, अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म है उसका जो एक अचिंतनीय और अव्यक्त स्वरूप उसको मोह सागर जिसको परमाणु का सागर उसको शास्त्रों की भाषा में सलिलम जल के भी पुकारा गया है, वर्णित किया गया है, वो अव्यक्त स्वरूप का अचिंतनीय स्वरूप का चिंतनीय स्वरूप को कारण प्रकृति कहा गया है। वही मोह सागर में नारायण के रूप में प्रकट होता है और उसके संकल्प से मैंने कल छह प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया था कि उसके संकल्प से ये छह प्रकार की सृष्टि बन जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ। और नारायण के आगे क्या आएगा, ऊपर जाएंगे तो एक अक्षर ब्रह्मांड की रचना पूरी हुई वैदिक और पौराणिक मान्यता के आधार पर, और उसके आगे हम जाएंगे तो सबसे पहले अव्याकृत ब्रह्म आएगा। तो अव्याकृत ब्रह्म को हम समझेंगे सुंदर साथ जी। अव्याकृत ये अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप है, ये मन बुद्धि चित और इंद्रियों से सर्वथा परे है, वो अव्यक्त है, इसलिए उसको अव्याकृत ब्रह्म कहते हैं। वो सृष्टि का उत्पत्ति पालन और संहार के कार्य में उसकी महत्व की भूमिका है। किसकी किसकी, अव्याकृत ब्रह्म की। वहां से सुंदर साजी बार बार सृष्टि का सृजन होता रहता है और लय का कार्य चालू रहता है। उसको वेदों में वर्णित किया गया है कि त्रिपाद उद्वेत पुरुष, क्या कहा गया है, त्रिपाद उद्वेत पुरुष, कि ये जो विभूति ब्रह्म अक्षर ब्रह्म है कुटस्थ और अविनाशी, उसका तीन पाद ऊपर से ले सतस्वरूप केवल ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म, ये तीनों पाद अखंड चेतन अनादि और विशुद्ध है, लेकिन चौथा जो पाद है अव्याकृत ब्रह्म, वहां से बार बार सृष्टि की रचना होती रहती है। और बार बार जब सृष्टि का समय पूरा होता है, काल पूरा होता है, तब यह सृष्टि लय हो जाती है और सब नारायण में लीन हो जाता है और नारायण अव्याकृत में लीन हो जाता है, ऐसा सुंदर सा जी वेदों में भी वर्णित किया गया है। उसको बोलते अव्याकृत ब्रह्म। उसके आगे सुंदर साथ जी सबलिक ब्रह्म आता है। सबलिक ब्रह्म चित्त के स्वरूप को कहते हैं। किसको कहते हैं, चित्त के स्वरूप को। और चित्त के जो स्वरूप है उसकी सत्ता का प्रतिनिधित्व ये सबलिक करता है। चित्त के स्वरूप की सत्ता का प्रतिनिधित्व ये सबलिक करता है और सबलिक के स्थूल में और अव्याकृत के महाकारण में जो सुमंगला पुरुष है वो भी सृष्टि में प्रमुख कार्य, उसकी महत्व की भूमिका है। सृष्टि का पालन जो एक बनाने की जो भूमिका है ने, जब जहां पालन पोषण और उसकी जो लय होता है
उसकी जो तीनों की महत्व की भूमिका है वो अव्याकृत के महाकारण और सबलिक के स्थूल से ये कार्य होता रहता है। और आगे हम जाएंगे तो जो सबलिक की आह्लादिनी जो शक्ति है, उसकी जो अंग रूपा अर्धांगिनी है, उसको चिद रूप माया कहते हैं। क्या कहते हैं? चिद रूप माया कहते हैं। और अव्याकृत की जो आह्लादिनी अंग रूपा जो अर्धांगिनी है, उसको सदरूप माया कहते हैं। क्या कहते हैं? सदरूप माया कहते हैं। सबलिक के स्थूल और अव्याकृत के महाकारण, सबलिक के स्थूल और अव्याकृत के महाकारण, जहां हमारी आज हम ये लीला में प्रवेश करेंगे, ब्रज की और रास की, उसमें ब्रज की लीला में आज हम प्रवेश करेंगे। तो हमारी जो 5000 साल पहले जो ब्रज और रास की लीलाएं हुई, वो लीला कहाँ अखंड हुई? तो के सबलिक के कारण में हमारी ब्रज लीला अखंड हुई, और सबलिक के महाकारण में हमारी रास लीला अखंड हुई। और उसके बाद क्या आया? केवल ब्रह्म। तो केवल ब्रह्म है वो आनंद की भूमिका है। क्या भूमिका है? वो आनंद की भूमिका है। उसका तैतृय उपनिषद में, किस उपनिषद में? तैतृय उपनिषद में बताया कि रसो वेस रस, कि वो रस रूप, आनंद रूप, प्रेम रूप वो भूमिका है। वहां 10 प्रकार के रसो प्रवाहित होते रहते हैं। क्या क्या रस? तो श्रृंगार, हास्य, करुण, विभत्स, वीर, रौद्र, भयानक, भक्ति, ऐसे 9-10 रसों का रस प्रवाहित होता रहता है। ये बात आगे आएगी, लेकिन मैं यहां जोड़ देती हूं कि हम सब वो बात को तो पहले से जानते आ रहे हैं कि अक्सर ब्रह्म, मैंने कल भी बताया था कि अक्सर ब्रह्म रोज 7:30 से 9 बजे के बीच में चांदनी चौक में, नीचे अमृत वन के बीच में चांदनी चौक आया है, वहां से रोज दर्शन करके, किसका? हमारा। लेकिन हमारा दर्शन होता नहीं था। किसका दर्शन रोज करते थे? राज जी का, हमारे प्रियतम का। राज जी का क्यों भाई? ये कौन है? अभी तक हम राज जी मानते रहेंगे तो हमारा प्रियतम कब बनेगा? मैं पहले दिन भी पूछ रही थी कि राज जी, हमारे दिल से कभी भी हमने माना कि हमारे धनी है क्या? नहीं, हम अभी भी हमने स्वीकार नहीं किया ने, हमारे धरातल पर आ ही नहीं रहा कि हमारे धनी है, हमारे प्रियतम है, हमारे प्राण वल्लभ है, हमारे प्राण नाथ है। कभी ऐसा नहीं बोला, बार बार ये बात दोहराते रहेंगे ने, तो अब हमारे अवचेतन अनकॉन्शियस माइंड में ये आ जाएगा कि नहीं, ये हमारे प्रियतम है, ये हमारे प्राण नाथ है। तो चांदनी चौक से हमारे धनी का, हमारे धनी का, किसका? हमारे धनी का दीदार करके वापस लौट जाते थे। तो आपको प्रश्न नहीं उठता क्या अंदर कि क्यों दर्शन करके? ऐसे दर्शन करने की क्या जरूरत? स्वरूप एक लीला दो, ऐसे एक ही स्वरूप, किशोरी स्वरूप है, लीला दो रूपों में कर रहे हैं ने, एक सत्ता की और एक प्रेम की, प्रेम और आनंद की। राज्य किसकी लीला करते? प्रेम और आनंद की, और अक्षर सत्ता की, लेकिन स्वरूप तो किशोरी है, तो दर्शन करने की क्यों जरूरत? उसका ही तो स्वरूप है। लेकिन जो केवल ब्रह्म है उसको आनंद योग माया ब्रह्मांड कहा है। क्या कहा है? आनंद योग माया ब्रह्मांड कहा है। वहां एक पल की तो जुदागी होती ही रहती है, वहां लगातार परमधाम कैसा है पता है? वहां स्वलीला अद्वैत भूमिका है, वहां एक पल की जुदागी, वहां एक पल का विरह धनी से नहीं होता। लेकिन केवल ब्रह्म की भूमिका में, बुद्धि के स्वरूप में, वहां एक पल की तो जुदागी होती रहती है। तो एक पल की जुदागी भी अक्सर से सहन नहीं हो पाती। ये 10 प्रकार के रस तो बहते रहते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए एक पल की जुदागी सहन नहीं कर पाते। वही पल में अक्सर चांदनी चौक में अक्षरातीत के हमारे प्राण प्रियतम के दर्शन करने के लिए जाते हैं, फिर वापस लौटकर फिर अपनी
सत्ता और ब्रह्मांड बनाने के कार्य में लग जाते हैं। तो केवल ब्रह्म है, उसकी पत्नी को, अर्धांगिनी को, उसकी आह्लादिनी शक्ति को क्या कहा? आनंद योग माया कहा। और उसके बाद क्या आया? सत स्वरूप। सत स्वरूप अक्षर ब्रह्म का अहम का स्वरूप है। क्या स्वरूप है? अहम का स्वरूप है। और अक्षर ब्रह्म का मूल ठिकाना परम धाम में हमारे सामने, जैसे रंगमहल है, रंगमहल के एग्जेक्ट सामने, रंगमहल की ओर सातवन, केल, लिम्बोई, अनार, अमरूद, जामू, नारंगी और बट, और बीच में क्या बहती है? जमुना जी। और जमुना जी को पार करे तो दोनों की ओर किनारे क्या क्या आया है? सात सात घाट आए। और जलरस पर क्या आई है? छह छुटक छुटक देहुरिया आई है। और ये पास करेंगे तो अक्षरधाम की ओर भी सात वन आएंगे और अक्षरधाम आया है। तो अक्षर भगवान, अक्षर ब्रह्म, उसका मूल ठिकाना तो अक्षर धाम है, हमारी दूसरी भूमिका में है। लेकिन ये ब्रह्मांड का बनाना और मिटाने का जो सत्ता का काम है वो बेहद से करता है, योग माया ब्रह्मांड से करता है सुंदर साथ जी। इसलिए उसको मूल प्रकृति भी कहा गया है सत्स्वरूप को, और उसका मूल ठिकाना अक्षरधाम रहेगा। लेकिन सत्ता का और बनाने का, सृष्टि का और प्रलय का जो भी काम हो रहा है वो कार्य कहां से क्रियान्वित हो रहा है? सत स्वरूप पहले मूल प्रकृति से लेकर मैंने चारों पाद जो बताए ने, वो अक्षर के चारों चार पाद है, अव्याकृत, सबली, केवल और सत स्वरूप। और उसके आगे क्या आएगा? दिव्य परम धाम आएगा। उसके आगे क्या आएगा? दिव्य परम धाम आएगा। लेकिन सत स्वरूप की भूमिका जहां पूरी होगी, जहां खत्म होगी, उसके बाद बाहर की ओर भी बगीचे की नहरे की शोभा आई है। उसके बाद हमारी बड़ी रांग की जो बाहर की 32 हार जो हवेलियां आई है सुंदर साथ जी, ऐसे तो 80 महावेलियां है, उसकी बाहर की ओर 32 और अंदर की ओर 32, कुल 64 हवेलियां और बीच में 16 हवेलियां। तो बाहर की 32 हवेलियां को पार करके अंदर जाएंगे तो बीच में एक सागर, एक जिमी और एक हवेली, फिर 32 हवेलियां, फिर अंदर की ओर जाएंगे, फिर वनों की शोभा, और फिर चार हवेली छोटी रांग, और उसके आगे जाएंगे तो बन की नहरे, फिर बड़ो वन, मधुवन, महावन, माणिक पहाड़ की हद में, और उसके आगे जाए तो झवेरो की नहर, उसके आगे जाए जाएंगे तो दूसरी भूमि में, दूसरी परिक्रमा में सुंदर साथ जी कई शोभा आएगी। अभी अभी मैंने पूर्व की शोभा तो बताई, ऐसे दक्षिण की ओर भी कुंज निकुंजवन, होज कोसा तालाब, 24 सांस का महल, माणिक पहाड़ आएगा, और इसकी पश्चिम की ओर नीचे नूरबाग, ऊपर फुलबाग, अनवन, दुबदुलीचा, पश्चिम का चौगान, उत्तर की ओर क्या आएगा? लाल चबूतरा। अरे नदी से लोने क्या छोड़ रहे हो? लाल चबूतरा, अरे ताड़वन, खड़ोकली, बड़ोवन, मधुवन, राज्य थोड़ी आगे जाने देंगे शोभा छोड़कर, बड़ोवन, मधुवन और महावन और पुखराज पहाड़, और वहां से जमुना जी प्रकट होकर बंगला जी मूलकुंड से, बंगला कहा? मूलकुंड खजाना का ताल, वो मूलकुंड पहला हिस्सा पुखराज का, फिर बंगला जी, फिर अदबीज के कुंड, ढप्पा चबूतरा, और मूलकुंड से आगे जमुना जी ढप्पी और खुली होकर कहां से मरोरेगी? ईशान कोने से मरोर के पूर्व में आएगी, फिर दक्षिण में मरोर के ओज कोसर में समा जाएगी। तो ऐसा हमारा दिव्य परम धाम पूरी, हमने कितनी मिनट में, एक या दो मिनट में पूरी परिक्रमा कर ली। तो ऐसा हमारा दिव्य परम धाम क्षर से परे अक्षर और अक्षर से परे अक्षरा तीत हो सत चिद और आनंद से भरपूर है। मैंने कल भी बताया था कि द्वैत भूमिका और योग माया ब्रह्मांड, अद्वैत भूमिका
और उसके परे परमधाम स्वलीला अद्वैत भूमिका है, तो हद से परे बेहद और बेहद से परे अक्षर और अक्षर से पार वतन, वहां एक एक कण में सत चीद और आनंद की लीला हो रही है। पूरा परमधाम अनंत है, पूरा परमधाम इश्कमय है, पूरा परमधाम आनंदमय है, पूरा परमधाम सचिदानंदमय है। उसकी लीला हम आगे इश्क रबद में जानेंगे सुंदर साथ जी। तो ये दिव्य परमधाम हमारी आत्मा का निज घर है। क्या है? हमारी आत्मा का निज घर है। तो ये दिव्य परमधाम, वहां क्या लीला हो रही है सुंदर साथ जी? जैसे सूर्य से उसकी किरण अलग नहीं होती, चंद्रमा से उसकी चांदनी अलग नहीं होती, सागरों से उसकी लहरें अलग नहीं होती, हाथ से उसकी अंगुली अलग नहीं होती, ऐसे पार ब्रह्म अक्षरातीत धाम धनी से उसकी अभिन्न स्वरूपा आत्माएं कभी भी अलग नहीं होती। उसकी लीला स्वलीला अद्वैत में अनादिकाल से चल रही है, अभी वर्तमान में भी चल रही है और अनादिकाल तक ये चलती रहेगी। प्राणदास सुंदर साजी यही प्रमाण मुंडक उपनिषद में भी बताया गया है कि दिव्य ब्रह्मपुरे धाम व्योमोनि आत्मा इत प्रतिष्ठितम। दिव्य ब्रह्मपुर धाम में ऐसी कौन आत्माएं रहती है? दिव्य आत्माएं अक्षरातीत बार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की यह भिन्न स्वरूपा आत्माएं रहती है सुंदर साथ जी। उसका प्रमाण वेद में भी बताया कि पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्ण मदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव शिष्यते। ये धाम कैसा है? ये धाम पूर्ण है, ये धाम अनंत है, ये धाम सचिदानंदमय है। ये धाम में पूर्ण जोड़ो तो पूर्ण ही रहेगा, पूर्ण में अनंत चीजें जोड़ो तो अनंत ही रहेगा, पूर्ण में हम भागाकार भागेंगे तो भी पूर्ण ही रहेगा, पूर्णता में हम गुनेंगे तो गुना तो भी ये पूर्ण ही रहेगा, पूर्ण में हम माइनस करेंगे तो भी ये पूर्ण ही रहेगा। जैसे हम परिधि में एक परिकर से हम बिंदु से जब परिकर घुमाएंगे फरता गिरद में तो फिर ये बिंदु पर ही आएगा। ऐसे ये दिव्य परम धाम पूर्ण ही है, वहां सब पूर्ण है। ये परम धाम ये संसार में नहीं आया है, ये संसार तो त्रिगुणात्मक है और दिव्य परम धाम त्रिगुणातीत है। और आज संसार के सभी मत पंथ सभी संप्रदाय कहां खोज रहे परमात्मा को? इस झूठे जगत में, इस स्वप्नमय संसार में। लेकिन सुंदर साजी आज तक कई लोगों ने इस परम धाम के बारे में खोजने का प्रयास किया लेकिन कोई इस मोह सागर की पाल को उल्लंघन कोई पार भव सागर से नहीं हो पाए। धाम धनी ने वाणी में बताया के पंच वासना ऐसी थी कि ये मोह सागर की पाल को उल्लंघन जो अखंड में पहुंची सुखदेव सनकादिक कबीर शिव और महाविष्णु और पूज्य वल्लभाचार्य जी महापुरुष में जो हुए, ऐसे रस खान ऐसे रहीम सूर मीरा नरसिंह मेहता जायसी ऐसे कई लोगों ने एक बार ब्रह्म को खोजने के लिए लक्ष्य तो परम धाम बनाया, उसका लक्ष्य का धरातल तो परम धाम ही रहा लेकिन वो अटक गए कहां? हाँ बेहद में पहुंचे। श्री प्राणनाथ जी ने वाणी में बताया कि योग माया ब्रह्मांड जो अभी मैंने वर्णन किया अव्याकृत ब्रह्म का, तो अव्याकृत ब्रह्म के कारण और महाकारण में जहां प्रतिबिंबित वेद रुचाए रहती है वहां ये प्रतिबिंब जो लीला हुई ने यहां की, यहां भी 36,000 की मैं आगे बताऊंगी,
ये 36,000 का जो मेला यहाँ हुआ, 24,000 कुमारी काए और 12,000 वेद रुचाए जो पहुंची और व्याकृत के महाकारण में, तो ये जो सब महापुरुषों का मैंने नाम लिया वो वहां तक तो पहुंचे। तो प्राणनाथ जी ने वाणी में बताया कि इंड तो छेदो सही पर अखंड पाया नहीं। इंड इंड को तो छेद दिया, पार कर दिया, अखंड क्या कि हमारी जो 5,000 साल पहले ऐसे काल में ब्रह्मांड में ब्रज लीला हुई, उसके बाद जो रास लीला महारास रात्रि की एक रात्रि की हुई, वो लीला को वो नहीं जान पाए। उस प्रतिबिंब लीला का जो वर्णन किया सुखदेव मुनि ने भागवत में, वो लीला को वो जान पाए, वो असल की लीला को जान नहीं पाए। ये प्राणनाथ जी ने वाणी में बताया। मैं कल भी आपको बता रही थी कि यहां से पार ये कई कई महापुरुष तो गए, अभी भी मैंने बताया कि उसका खोज का धरातल तो रहा लेकिन असल ते असल वो प्राप्त नहीं कर पाए। वहां कौन रहते हैं सुंदर साथ जी, ऐसे दिव्य परम धाम में अक्षरा तीत और उसका प्रेम, प्रेम और ब्रह्म दोनों एक है, प्रेम और ब्रह्म दोनों एक है। जहां प्रेम है वहां अक्षरातीत है, जहां अक्षरातीत है वहां प्रेम है, और उसका मूल ठिकाना इस संसार में नहीं है। संसार से परे बेहद में प्रेम है, लेकिन जो दिव्य परम धाम का जो प्रेम है उसका करोड़वां अंश है, उसका करोड़वां अंश योग माया ब्रह्मांड में है। लेकिन प्रेम तो है लेकिन कितना अंश है, करोड़वां अंश है। वो जो प्रेम है परम धाम का, वो राज्जी के दिल का जो गंजान गंज जो इश्क है, जो प्रेम है, और उसकी आनंद स्वरूपा श्यामा जी और उसके आनंद स्वरूपा हम सभी आत्माएं, उसकी जो वहां लीला हो रही है दिव्य परम धाम में, वो लीला कैसे हो रही है तो धाम धनी ने वाणी में बताया कि दिव्य आत्माओं की शोभा, ये दिव्य आत्माओं की लीला, ये दिव्य आत्माओं का सौंदर्य की जो कीड़ा के रूप में लीला हो रही है सुंदर सा जी, वही प्रेम और आनंद की लीला है। दिव्य परम धाम की वही प्रेम और आनंद की लीला है। और चिद्गन स्वरूप अक्षरातीत का हृदय दिल ही, चिद्गन स्वरूप अक्षरातीत का हृदय दिल ही पूरा परम धाम में लीला कर रहा है। उसके दिल का उद्गार ही पूरा परम धाम है। उसके दिल का प्रगटीकरण हकीकत के रूप में पूरा 25 पक्षों के रूप में लीला कर रहा है दिव्य परम धाम में। मैंने अभी बोला ने कि एक एक कण में राज्य का पूरा स्वरूप ही तो लीला कर रहा है। मान लो सत चित और आनंद, हम सचिदानंद बोलते हैं ने, तो सत अक्षर ब्रह्म, चिदगन स्वरूप स्वयं राजी और आनंद अंग स्वयं श्यामा जी। तो मैंने अभी समझाया कि सत अंग सत्ता की लीला करते हैं और आनंद अंग श्यामा जी है, वो परम धाम में आनंद और प्रेम की लीला वहां से होती है श्यामा जी के अंग से। और श्यामा जी के अंग सुंदर साथ हम ब्रह्मात्माए और उसके अंग खूबी खुशालिया, जिसको वाणी में सेविका कह के वर्णित किया गया है, और उसके अंग पशु पक्षी और पूरा परम धाम के एक रेती के कोण से लेकर आर सागर से लेकर रंग महल तक जो भी स्थावर सब कुछ जो भी बना वो पूरा सत चिद और आनंद के स्वरूप है। तो ऐसा सचिदानंदमय स्वरूप पूरा हकीकत के रूप में जो लीला कर रहा है चिदगन राजी, वो हमको वहां पता नहीं था। वो पता हमको परम धाम में नहीं था। तो राजी को क्या बताना था हमको, मैंने कल भी थोड़ी बात आधी छोड़ी थी, आज मैं वो बात को आगे बढ़ाऊ सुंदर साथ जी।
कि राज्य के दिल में जो महाकारण, राज्य के दिल में जो महाकारण और वो कारण, महाकारण के दो कारण, महाकारण के बारे में मैंने कल समझाया कि राज्य के दिल की स्वाभाविक इच्छा, तो क्या इच्छा थी उस पर हम आज ज्यादा स्पष्टीकरण करेंगे कि अक्सर और सयन को आदि अनादि फल कहियो सोई। राज्य के दिल में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि सखियों को यह पता नहीं है कि हे आत्माओं, हे सखियाओं, जो पूरा परम धाम में मेरा स्वरूप ही तुम्हारे रूपों में लीला कर रहा है, मेरा स्वरूप ही परम धाम में अनेक रूपों में, चाहे तुम सखिया हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे खुबी खुशालिया हो, चाहे प्राणी हो, चाहे स्थावर कोई भी चीज हो, वो मेरा स्वरूप ही तो अनेक रूपों में लीला कर रहा है, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि मेरे दिल में कितना गंजान गंज इश्क का स्तोत्र है, वही इश्क का प्रगटीकरण ही, वही इसका प्रगटीकरण ही जो लीला रूप में, जो पूरा परम धाम में हकीकत रूप में लीला कर रहा है, वही खिलवत है, वही जो क्रिया हो रही है लीला की, वो खिलवत का प्रकटीकरण है। खिलवत कोई सुंदर साथ जी प्रथम भूमिका की पांचवी गोड़ हवेली, ये तो एक स्थान विशेष खिलवत है कि जहां हमारा यहाँ बताया ने अब कहरे फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की सो बाते है बुजुर्ग। यहाँ बताया कि अब फेर के कहूं मूल मिलावे की बीतक, यहाँ महामती के शब्दों में लालदास जी बताने जा रहे हम सब आत्माओं को कि हे प्राणधार सुंदर सा जी, मैंने तुम्हें जो अभी तक जो इस ब्रह्मांड की रचना के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया और भविष्यवाणी कहने वाले ग्रंथों का भी प्रमाण दिया, और उसके बाद में मूल मिलावे की जो अनादि काल से जो हमारी लीला चलती आ रही है, और आज हमारा जो मूल तन परात्म तन ये मूल मिलावे में विराजमान है। कहां विराजमान है? ये मूल मिलावे में विराजमान है, इसलिए उसको मूल मिलावा कहा गया है, और भी आगे समझेंगे। तो हमारा मूल तन हम सभी आत्माओं का मूल मिलावे में है, और मूल मिलावे मूल तन के परात्म स्वरूप प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा इस नश्वर जगत में सबसे पहले ब्रज में आई, वहां भी एक शरीर का जीव का माध्यम बनाया और खेल को देखा, उसके बाद रास में गई या आत्मा, और उसके बाद यह जागनी ब्रह्मांड में आई। लेकिन हमारा परात्म का मूल ठिकाना क्या रहा? मूल मिलावा। तो यहाँ धाम धनी ने सुंदर साजी बताया कि मैं पहला ये गरिमामय जो महत्वपूर्ण जो बात है, क्या बात है? मूल मिलावे की बात, तो और ये बात बुजुर्ग है, लेकिन जैसी आज्ञा धनी की, या लालदास जी महाराज क्या बता रहे कि मेरे को जैसे राज्य का हुक्म होता जाएगा, जैसी आज्ञा होती जाएगी, ऐसे मैं आगे बताती जाऊंगी। महामती कह रही है किसके शब्दों में? लालदासी के शब्दों में कह रही है कि हे प्राणदार सुंदर साथ जी, इस मूल मिलावे से इस संसार में सबसे पहले हमको व्रज में उतरना हुआ, तो उसके बारे में हम बात बताने जा रहे हैं। उससे पहले क्या कारण हुआ तो व्रज में आना हुआ? कोई रीजन, कोई कारण तो हुआ ने, तब तो यहाँ आना हुआ। तो यहाँ धाम धनी ने बताया, इत अक्षर को विलस्यो मन, जो बात हमने जानी ने, इत अक्षर को विलस्यो मन, पांच तत्व चौदह भवन या में महाविष्णु, मन मंथे त्रिगुण ताथे थीर चर सब उत्पन्न। तो ये सब उत्पन्न हो गया, इसलिए हमने पहले ये ब्रह्मांड की रचना को देखा, उसके बाद हम ब्रज में उतरेंगे ना, क्योंकि ब्रह्मांड नहीं बनेगा तो हम कहां उतरेंगे।
तो पहले हमने क्या बनाया? यह ब्रह्मांड बनाया, लेकिन उतरने का कोई कारण तो होगा ने? ऐसे कारण के बिना कारज कि कहा ने धामधनी ने वाणी में, कारण बिना कारज ना होय। तो दो कारण क्या हुआ? तो कल हमने ये बात थोड़ी सी तो देख ली थी, धामधनी के दिल में उपजिया में देखा हु अपना ईश्वर, और देखा हु साहेबी जो रूहे जानत नहीं मुतलक, कि मेरी साहेबी क्या है, और साहेबी के इस साहेबी और परम धाम का प्रेम क्या है, ये रूहों को पता नहीं है। ये दोनों को जब तक मैं नहीं बताऊंगा, तब तक उसको साहेबी का और प्रेम का ब्योरा, उसका स्पष्टीकरण उससे उसको नहीं पता लगेगा। तो ये बात उसने दिल में ली। तो पहले हम सुंदर साथ जी मूल रबद की जो क्या बात है, वहां हमारा क्या इश्क रबद हुआ, वहां हमारा मीठा प्रेम का क्या रबद हुआ दिव्य परम धाम में, और वहां से यहाँ आना हुआ, तो उस बात पर हम आगे बढ़े। वहां तो मैंने अभी भी बताया कि खिलवत, पहले तो हम खिलवत में बैठ जाए। कहां बैठ जाए? खिलवत में, क्योंकि बैठे अभी कहां हम, मूलतन हमारा कहां है? तो जहां मूलतन होगा वहां से तो बात होगी, ऐसे तन में थोड़ी होगी, ये तन से होगी क्या? ये तन से नहीं होगी ने, मूल तन से वो बात होगी ने। तो हम कहां बैठ जाएंगे? मूल, तो सबकी सुरता कहां रहेगी अभी? मूल मिलावे में। तो मूल मिलावा मैंने अभी बताया कि कोई स्थान विशेष तो है, लेकिन आशिक और मासिक, आशिक और मासुक। आशिक किसको कहते हैं? मान लो कि अभी मैं यहां बैठी हूं, फॉर एग्जाम्पल हम समझे, तो आप सब आशिक बनकर आए ना यहां सुनने के लिए, तो मैं तुम्हारी मासुक हुई, आप सब आशिक। मान लो आप अपने घर में हो और मैं आपके प्रेम के लिए मैं तड़प रही हूं, और मैं आपके घर में चली आ गई, आपके घर में पहुंच गई आपके प्रेम के लिए, आपका प्रेम पाने के लिए, तो आप मासुक हो गई, मैं आशिक हो गई। तो जो जहां जाता है वो आशिक है, और जो जहां बैठा है आशिक, जिसके लिए जाता है और जो वहां बैठा है वो मासुक है, और जो बैठने वाला वो मासुक, बैठने वाला मासुक भी कई बार आशिक बनता है ने। पूरा परम धाम आशिक है और पूरा परम धाम मासुक है। वहां परम धाम के 25 पक्ष, पूरी परम धाम की भूमि का खिलवत है। वहां कोई पांचवी कोल हवेली एक ही सिर्फ खिलवत नहीं है, क्योंकि सभी जगह कौन कौन की, कौन कौन सी लीला हो रही है और किस किस की लीला हो रही है, वहां राज जी, श्यामा जी और सखिया। मैंने कल भी बताया था ने कि वहां पांचों अद्वैत में एक है, कौन? श्री राज जी, श्यामा जी, सखिया, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी, वहां अलग है नहीं। तो पांचों अद्वैत में एक है, तो वहां हम पांचों एक ही है, तो वहदत का इश्क भी सबके समान है, वहदत में मन भी सबके समान है, वहदत में तन भी सबके समान है, वहदत में मन बुद्धि और अंतस्करण का जो भी इंद्रियों का धरातल लो, वहां तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ के भावों से समझेंगे तो सब तन मन दिल और सबकी रहनी खाना पीना, सबका शोभा, सबकी सौंदर्य, सबका सौंदर्य वहां समान है ने। यहाँ कैसा है बताऊ मैं? मान लो कि शारदा बहन ने ये आसमानी वाला ड्रेस पहना है, मान लो कि ये दीदी ने पीला वाला पहना है, ये दीदी ने ब्लैक वाला पहना है, उसने रेड वाला पहना, ये अलग अलग हो गया ने। राज जी ने वाणी के आधार पर तो बताया कि वहां कोई ने पीली, किसी ने पीली, किसी ने ब्लैक, किसी ने रेड, किसी ने कई आसमानी, ऐसे ऐसे अलग अलग रंगों वाली साड़ी पहनी है ना, वहां बताया यहाँ के भाव से। लेकिन वहां सब समान है, यहाँ की तरह अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खान पान, अलग अलग बोली, अलग अलग जाति, अलग अलग घर, अलग अलग देश, ये अलग अलग प्रांत, ये अलग अलग वहां
नहीं है, वहां हमारा एक ही घर है दिव्य परम धाम में, एक ही मंदिर में रहना, एक ही रंग माहौल में रहना, एक ही दिव्य परम धाम में रहना, एक ही जगह साथ में घूमने जाना। आज मान लो संडे है, कोई ग्रुप आज रेस्कोस की ओर घूमने जाएंगे, कोई ग्रुप आज कोई न्यारी की ओर घूमने जाएंगे, कोई को राजकोट की बाहर भी घूमने जाएंगे, एक ही जगह तो नहीं जाएंगे ने। वहां हम कहां जाते, जाते भले एक ही जगह, अलग अलग में भी जाते। ऐसा नहीं कोई ग्रुप ऐसा चंचल होता है तो कोई जमुना जी के तट पर घूमते हैं, तो कोई माणिक पहाड़ की ओर भी चले जाते हैं, कोई पुखराज की ओर भी चले जाते हैं, कोई जमुना जी में भी जीर्णा करते हैं, लेकिन है तो परम धाम में ने। फर्क वहां यही है कि सबके अंदर एक ही विचार उड़ते हैं। यहां ऐसा सबका तन मन और दिल वहां देख लो ने, यहाँ आप इतने सुंदर साथ बैठे हो ने, सबके दिल में अलग अलग विचार हो गए। अभी मान लो किसी का मन घर पे चला गया होगा, हाँ कोई टेंशन चिंतन की, कोई घर की चिंता की बात दिमाग में आ गई तो घर पे भी चला जाता, कोई काम छोड़ के आई तो घर में प्लेटफॉर्म पर कुछ रह गया तो वहां भी मन चला जाता, कोई बर्तन मांजने का रह गया, कोई झाड़ू पोछा करने का दोपहर को रह गया तो वहां भी चला जाता, और कोई व्यवहारिक काम में जाना था ने, जोसना में नहीं अभी तक में बुला लिया, क्या करे, नाता तो निभाना ही पड़ता है, व्यवहार है, जाना ही पड़ता है, तो आज यहाँ आ गए। तो सुंदर साजी ऐसा होता रहता ने, वहां ऐसा नहीं है। जो बात उठावे मन से, वो तन की मन की वो दिल की, ये सभी चोरी कौन जानते हैं, राज्य कौन जाते हैं, राज्य राज्य के दिल में। तो ऐसा मत मानो कि यहां मैं चोरी और छुपके कोई काम कर लूंगी, राज्य क्या देख रहे, थोड़ी रहे, ये सबके छुपा के हम कई कुछ काम कर लेते ना कई बार घर में, कि राज्य तो देखते नहीं, ये तो मंदिर में ग्रंथ के रूप में बैठे, और घर के मेंबर तो घर में, घर के सब ये तो बिजनेस और आसपास के गाँव में चले गए। चलो ने कोई काम चोरी छुपके करना तो हम आज कर ले, कोई है नहीं, मौका मिला है आज, कोई मिठाई घर में तो खा लो, कल तो मौका मिले ही ना मिले, तो ये हम यहां कर सकते हैं ना। परम धाम में ऐसी लीला नहीं है, क्यों, वहां का तन मन दिल अंतस्करण जो भी लो, आत्मा सभी एक ही है, वहां अलग अलग नहीं है सुंदर साजी। तो कोई बात यहां छुपाना नहीं, क्योंकि राजी यहां बैठे बैठे भी जान लेंगे, क्योंकि पल पल आप घर से निकले ने, आप यहां अपनी इच्छा से नहीं आए, किसने भेजा, किसने भेजा, राजी ने भेजा। हम तो यह मानते रहे, अरे हम रिक्शा कर बाइक कार या स्कूटर पे हम अपनी इच्छा से, देखो कितना काम छोड़कर आ गए, देखो इतनी माया प्रबल थी, ये ठोकर लगा के आ गए, आप अपनी इच्छा से नहीं आए, राजी ने भेजा इसलिए पाए हो सुंदर साथ जी। ये माया इतनी प्रबल है कि कभी भी आपके अंदर घुस के, 13 हथियार बताए कितने हथियार, उसका आहुत अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर और चपल। निकलते टाइम पे कोई आ गया ऐसा, कोई घटना ऐसी घटी कि आपको रोक लेती, देखो धनी आप पर पल पल। इसलिए तो राज जी ने वाणी में बताया कि महामति कहे मोमिनो, ये जो दम दम बरतत, ये सब इस कहक का जो पल पल मेहर करत। राज जी आप पर पल पल मेहर कर रहे हैं। सुंदर साजी यहाँ के रिश्ते तो भले जितना भी हमसे प्रेम करते, मैं तो प्रेम नहीं मानती यहाँ का, आप भले मानो, ये सब आपके साथ स्वार्थ से बंधे हुए हैं, ये मोह से बंधे हुए हैं, ये सब आसक्ति आपके प्रति की जो आसक्ति है, स्वार्थ है, मोह है, लगाव है, अट्रैक्शन है, जो भी हो, प्रेम नहीं है। प्रेम तो अखंड है सुंदर साथ जी, प्रेम कभी भी टूटता ही नहीं, ये तो दो दिन में तो तोड़ ही देते, कई बार झगड़ लेते ने, यहाँ के लोग क्या कर लेते, हम क्या कर लेते उसके प्रति, झगड़ लेते ने। सुंदर साथ जी प्रेम में कभी परिवर्तन नहीं होता, प्रेम में वधघट नहीं होती, प्रेम का कभी निरूपण नहीं होता, प्रेम में कभी बदलाव नहीं होता। एक एक शब्द पर आप सोचो, प्रेम में कभी बदलाव
नहीं होता, पर प्रेम में कभी हास या परिहास नहीं होता, प्रेम कभी अधिक ज्यादा नहीं होता। हाँ, मोह लगाव आसक्ति स्वार्थ, ये लोग स्वार्थ से बंधे हुए हैं। जहां तक हमारा ये शरीर, जहां तक ये हमारा बॉडी काम करता रहेगा ना संसार में, तब तक सब प्रेम करते रहेंगे। दो दिन बीमार होके खाट में सोके, चार पाई में सोके, आप घर को बता देना कितना प्रेम कर रहे सब लोग आपको। ये प्रेम नहीं है, ये मोह से बंधे हुए रिश्ते है, भूल मत करना। इसलिए राज जी ने वाणी में बताया कि माया को हल्की मत गिनो, ये माया हल्की नहीं है। आज वाणी में धनी, अभी इस क्रबद में भी बताएंगे धाम धनी कि माया कितनी भारी है। धाम धनी बताएंगे हम आप आगे कि सुंदर सा जी, जितना रबद इतना बल के साथ हमने किया है, तो धाम धनी अंतिम शब्दों में क्या बोला है पता है, कि जितना जोरावर रबद करके गए हो ने, इतना दुखरूप खेल होगा। तो धाम धनी से मुख से निकला हुआ वचन कभी झूठ ठहरते हैं क्या? धाम धनी के मुख से निकला हुआ वचन, धाम धनी ने बोला कि जितनी बल के साथ मेरे साथ आज कूद रही हो ना मेरे सामने, जो बछड़ा होता ना गाय का छोटा सा, वो किससे जोर से कूदता है? जो खुट्टा लगाया ना जमीन में उसके साथ बंधा हुआ है, उसके जोर से बछड़ा कूदता, तो हम किसके जोर से वहां कूद रही थी परम धाम में? बैठ गई ना सब सुंदर साथ जी, बताइए। धाम धनी ने एक भी बात वाणी में छोड़ी नहीं है कि इतना बल के साथ आप कोल और वादा और इतना जोरावर रबद करके जा रही हो ने, इतना जोरावर आपके अंदर जब वापस प्रेम आएगा ने, पुनः ये प्रेम आएगा ने, तब मेरे को वापस प्राप्त कर सकोगी, तब मेरे को फिर प्राप्त कर सकोगी, मेरे को मिल सकोगी, ऐसे नहीं मिल सकोगी। ज्ञान तो आज 400 साल से आ गया, मैं आज एक बात आपके सामने रखती हूं, ज्ञान 400 साल से इस संसार में आ गया। आज 400 साल से हम ये कर्मकांड की, सुंदर साहब जी कर्मकांड ऐसे पानी पत्थर वाला जो पूजा भक्ति वो, उसको मैं कर्मकांड नहीं बोलती हूँ, जो इंद्रियों से हम भक्ति करते आ रहे ने, जो भी करते आ रहे, चाहे सेवा पूजा की हो उसमें, चाहे वागा वस्त्र बदलने की हो, या जो भी भक्ति करते आ रहे हो, उससे आगे हमने हकीकत की भक्ति भी चलो शुरू कर दी, प्रारंभ कर दी, उसमें हम ज्ञान, ज्ञान से हमारी अंदर प्रकाश हो रहा है, सच कोई बात नहीं है, ठीक है चलो, ज्ञान से भी जागनी हो रही है, क्योंकि पहला सुर असराफिल ने ज्ञान का फूका, मैंने कल बताया था ने कि पहला सुर असराफिल ने ज्ञान का फूका, दूसरा सुर फूकने में वो कुबड़ी पीट करके बैठा है ने, जब दूसरा सुर फूकेगा तब तो पूरा ये परमात्मा ये जगी और संसार को अखंड भीष्ट में अखंड कर देंगे। लेकिन सुंदर सा जी 400 साल से ये परंपरा में चलते आ रहे हम, लेकिन क्या हमारे अंदर इस तरह की पहचान हुई? क्या हमारी जागनी हो गई? क्या आप मान रहे हो? मैं तो नहीं मानी कि मेरी जागनी हो गई, क्योंकि अभी तक मैंने राज जी का दीदार नहीं किया। जिस स्तर पर मैंने पहचान जो करनी चाहिए वो अभी मैंने नहीं किए। हाँ, आप अपने दिल को तोलो, आप अपने दिल को नाप तोल करो, मैं आपका न्याय करने के लिए मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन आप अपने आत्म को पूछो, क्या अभी तक आप 400 साल से इस संसार में आए, 400 अप साल हो गए, तो तब से हम ज्ञान की ओर तो लगे हैं ना, 400 साल से तो ये ज्ञान आ गया, तो हो जानी चाहिए ना राज्य का दीदार, हो जाना चाहिए, हमारी जागनी भी हो जानी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है? सुंदर सा जी, सिर्फ ज्ञान से जागनी नहीं होगी, जब तक जहां तक हम प्रेम में नहीं डूबेंगे तब तक हमारी जागनी नहीं होगी। आपको एक प्रश्न खड़ा होगा कि दीदी प्रेम कैसे आए हमारे अंदर, तो प्रेम कैसे पैदा हो उसके बारे में धाम धनी ने सिंगार ग्रंथ के में भी कई जगह प्रेम की बातें की, और परिक्रमा ग्रंथ में भी सुंदर साजी पूरे पहले प्रकरण से ही प्रेम की बात कही, और सुंदर साजी चौथे प्रकरण में तो या पांचवें प्रकरण में परिक्रमा ग्रंथ में बता दिया कि सूरत इश्क पैदा होने की, सूरत इश्क
पैदा होने की कि तुम्हारे अंदर कैसे इश्क पैदा हो, मैं उसका उपाय करता हूँ। तो बताया कि तुम्हारे अंदर जो प्रेम नहीं आ रहा है, तुम्हारे अंदर जो इश्क पैदा नहीं हो रहा है, उसके बारे में मैं धामधनी कह रहे कि मैं बता रहा हूँ कि सुंदर साहब जी बार बार अपनी लीला को याद करो। क्या करो सुंदर साहब जी, बात पर ध्यान दीजिए। मैंने अभी बोला कि पारण हमने हजारों बार पढ़ ली, कई बार कई मंदिरों के कई पुरियों के कार्यक्रम हमने अटेंड कर लिए, कई बड़े बड़े भंडारे भी हमने अटेंड कर लिए, कई बार हमने पारण भी लिखवा ली पैसे देकर, कई बार हमने स्वयं भी पढ़ ली, तो जागनी तो हो जानी चाहिए ना। घर में भी हमने कई बार पारण रख ली, कई बार हमने एकांत में भी तीन दिन की एक बार अखंड पारण कर ली, कई बार हमने कोई मांगलिक प्रसंग या विवाह शादी का जो भी हो कोई प्रसंग, बर्थडे का, उस पर हमने पारण रख के, या संसार में जो भी कार्य पर हमने पारण रख के कई बार ये पढ़ ली है ब्रह्मवाणी तारतम वाणी। क्या जागनी हो गई? हो जानी चाहिए ना, क्योंकि सुंदर साहब तीन दिन में परमधाम देखते थे भाई। मैंने पहले दिन भी बताया था ना, तीन दिन में जागनी, आज इतने सालों से पढ़ते आ रहे। धामधनी ने बताया कि बार बार परमधाम के 25 पक्षों की लीला को याद करो, बार बार वही सुख में डूबो, बार बार मूल मिलावा का जो इसकी लीला की ओर हम अभी आगे जा रहे, बार बार हमारी जो अंतिम तीन बैठकें हुई और अंतिम में वाला जी ने जो तीन बार मना की, तीन बार हम फिर ये खेल को मांगते रहे, तो अंतिम में हमारी धामधनी के साथ क्या क्या बातें हुई, वो इस क्रबत की बात को बार बार याद करो सुंदर सा जी, तभी तो हम वास्तव में मानेंगे कि हम मूल घर हमारा दिव्य परम धामे और हमारा परातम तन मूल मिलावे में बैठा है और हमारा स्वयं हमारी आत्मा के प्रति धामधनी अक्षरा तीत है। तब तक हमारे अंदर ये पहचान नहीं होगी। और भी मैं बात एक आगे बढ़ाती हूं कि सुंदर साथ जी, हमारे दिल में ये पूर्ण पहचान क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारे अंदर विरह ही नहीं पैदा हो रहे हैं कि हमारे ये पति है। 400 साल से हमने ये उसके शब्द भी नहीं सुने हैं। देखो 400 साल से उस लीला से हम अलग हुए, उसका विरह कभी हुआ, कोई दिन हुआ? परिवार में, गृहस्थी में, या सगे संबंधी में, या घर के अंदर कोई ऐसी अनघटित घटना घट जाती या कोई का समाचार आ जाता तो हमारे अंदर कैसे सीधी चोट लगती ने, जैसे समाचार सुनते तत्काल सीधी। लेकिन धामधनी के प्रति कभी भी हमने विरह पैदा हुआ क्या? उसके प्रति कभी भी हमने दर्द पैदा किया? जो इंद्रावती ने 6 महीने में अपना हाड मांस हड्डी ऐसे हवन जैसी पूरा अंदर का हाड मांस सुखा दिया ने पूरा, हम उसकी ओर कभी भी आगे बढ़े क्या? हमारी यात्रा, हम सब जर्नी में, मैं नहीं कह रही कि मैं पहुंच गई, हम सब जर्नी में है, हम सब ने परमधाम की राह ली है, लेकिन हमारे अंदर कभी विरह ही नहीं पैदा हुआ धनी के प्रति, आत्माओं के प्रति। अरे ये तो दूर की बात है, चलो ये तो दिख ही नहीं पा रहे हैं, ये तो राज्य मैं 3 दिन पहले हॉल पे गई जब चतुर्थी का दिन था, तो मैं शाम को सुंदर साथ बहुत खड़े हो गए मेरे को मिलने के लिए, सब ऐसे ही मिलने लगे ऐसे, तो मैं थोड़ी दुखी हो गई कि सुंदर साथ कितना प्रेम बता रहे, जो मैं 8-10 साल पहले भी मेरे प्रति जितना प्रेम रखते थे वो प्रेम आज इससे भी ज्यादा है, कम नहीं हुआ। इतना सब उठ उठ कर मेरे को मिश्रा से गले मिलने लगे कि दीदी आपकी जुदागी हमसे सहन नहीं हो पा रही है, आपने हॉल क्यों छोड़ दिया, आपने सुंदर साथ को क्यों छोड़ दिया? मैंने बोला कि मैं कैसे मेरे अंग रूप आत्माओं को छोड़ सकूं, धामधनी जो परमधाम से अलग नहीं कर पाए मैं कैसे अलग करूं परमधाम से? धामधनी ने अपनी लाडलियों को अपने चरण कमल से अलग नहीं किया तो मेरे दिल में तो सब होल के सुंदर साथ बैठे हो, मेरी प्राण नली से नजीक मेरे अर्स दिल में तो आप बैठो, मैं कैसे अलग करूं आपको? मेरे दिल से आप अलग ही नहीं हो, रात दिन मेरे धाम दिल में ही हो। हाँ मेरी मजबूरी है, मैं विवश हूं कि मैं होल पे नहीं आ सकती, मेरा थोड़ा बाहर का इतना थोड़ा कार्यक्रम बहुत मिस रहता है गुजरात और उसके बाहर प्रांत का भी, तो मैं नहीं आ सकती, लेकिन मैं बहुत याद करती रहती हूँ सब सुंदर साथ को।
तो दो तीन माताजी तो ऐसे रोने लगी। उसने यह भी बोला कि नहीं दीदी, एक बार तो हॉल में हर पारण में 3 दिन में एक बार बस मुख दिखाओ, बस और कुछ नहीं चाहिए, और 2 मिनट आप मंच पर बैठकर बस आपकी मीठी वाणी सुनाइए, बस मेरे को तो राज्य के वचन सुनने आपके मुख से। और रोने लगा, दो तीन माताजी तो रोने लगी। तो मैंने बोला, थोड़ा उसको शांत बना दी कि नहीं माताजी, मैं अलग ही नहीं हूँ, मैं आऊँगी, मैं कॉल करती हूँ, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकती हूँ, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा हर बार पारायण में, मैं राजकोट में रहूँगी तो मैं पक्का, मैं एक बार तो आऊँगी आऊँगी। तो मेरे मुख से एक बात निकल गई, मैं ये बोला कि ये राज्जी इतने नटखट है, इतने छलिए है सुंदर साथ जी, कि वो कई कई रूपों में छल कर लेते हैं हमारे साथ। मैंने देखा है उसको कई बार आदि का लीला के रूप में, मैं आज प्रत्यक्ष बता दूंगी आपको, कई बार वो छल करके हमको छल भी लेते, हमको पता नहीं रहता, लेकिन प्रेम का छल है, हो दुनिया का छल वाला छल की बात नहीं कर रही हूं मैं, ये प्रेम से छलते हैं। दुनिया के लोग स्वार्थ से छलते हैं, दुनिया के लोग स्वार्थ से छलते हैं, ये प्रेम से छलते हैं। तो मैं ये लोगों को बताया सुंदर साथ को कि सुंदर साथ जी ये छलिए मेरे साथ छल करते हैं, ये तो मेरे मंदिर में घर में भी बैठे है, उसको तो मैं हर रोज घर में वाणी के ज्ञानमय स्वरूप को प्रणाम करके मिल लेती हूँ, लेकिन सब सुंदर साथ को तो मैं कब मिल सकूं, इसलिए मैं आज सबका दर्शन करने के लिए तो हॉल पर आ गई। आप मेरे से अलग ही नहीं हो, ये इतने आत्माओं का कैसे मेरे को दर्शन होता, मैं नहीं आती तो। मेरे धनी जब 1722 से दीव बंदर से जागनी यात्रा में निकले, एक एक गांव, एक एक शहर, एक एक स्थान में आत्माओं को ढूंढा कि क्या दीव बंदर में मेरी आत्मा आई है, मेरे को यहाँ का तुच्छ और संसार का नश्वर धन नहीं चाहिए, मेरे को तो करुणा सखी चाहिए। और ठठा नगर में गए तो बोले कि मेरे को तो आसमाई चाहिए, यहाँ का तुच्छ धन नहीं चाहिए, चिंतामणि लालदासी। तो ऐसे आत्माओं को हर स्थान में ढूंढा और इतना मेला किया परम पन्ना परम धाम पहुंचकर 5000 का। तो मेरे धाम धनी तो ऐसे नंगो पैरों से चले ने, चरण में चरण पादुका नहीं थी सुंदर साथ जी, पैरों में चरण पादुका नहीं थी, नंगो पैरों से कई बार ठंडी की, कई बार गर्मी की, कई बार बारिश की ऋतु में चले, कई बार खाना मिला, कई बार नहीं मिला सुंदर साथ जी, हम आगे देखेंगे। कई बार सुंदर साथ जी हवेली तो लालदास जी महाराज ने लिख ली, कई बार रहने के लिए भी, कई बार एक कमरे भी नहीं मिले होंगे, मिले होंगे, कई बार वनों में जंगल में कोई पेड़ के नीचे सो गए होंगे। ये इस लीला को तो याद करो, मेरे धनी ने कैसे कैसे आत्माओं को जगाया और जगाते जगाते पन्ना धरती पर पहुंचे। हमने कल प्रसंग नहीं परसों प्रसंग में देखा, तो मैं ऐसे सुंदर साथ को कैसे बिछड़ू, कैसे अलगू, मेरे दिल में तो हो आप सभी, मेरे से अलग ही नहीं हो। ऐसे धाम धनी हमसे अलग ही नहीं है सुंदर साथ जी, हो दिव्य भूमि का वही खिलवत जिसकी बात हम आज उस पर हम जा रहे, हमारा ईशक रबदम आधे घंटे में देखकर ब्रज की लीला में अवतरण कर देंगे, लेकिन ब्रज की लीला हम कल देखेंगे। प्रणधार सुंदर साथ जी, अभी मैंने बात छोड़ी के पूरा परम धाम ही खिलवत है, पूरा परम धाम में ही आसिक और मासुक की लीला चल रही है, वहां कोई आसिक ही नहीं है, कोई मासुक ही नहीं, सब आसिक और सब मासुक है। तो ऐसे परम धाम में हमारा मूल तन जहां 5वीं गोल अवेली मूल मिलावा दिव्य रंग माहौल प्रथम भूमिका में हम मध्य में हमारे प्राण प्रियतम अक्षरातीत धाम धनी युगल स्वरूप विराजमान हो गए, फिरती गिरद में रूहे उसके चरण कमल में हम सब बैठ गई। हम सब जब बैठ गई तो मैंने अभी बताया कि पूरा परम धाम प्रेम रत है, प्रेममय है, वहां खाना पीना दीदार सब प्रेममयी, सोना बोलना उठना
लीला सब प्रेममय है। तो अनादिकाल से जो हमारी ऐसी प्रेममय लीलाएं चलते चलते चलते, जैसे इस खेल में हमारा जब जिस दिन आना हुआ तभी राज जी ने दिल में लिया और अनादिकाल से जो हमेशा के लिए हमारी ये प्रेममय लीला चलती आ रही थी। हो प्रेम रबद भी चलता आ रहा था। प्रेम रबद का एक ही कारण था कि किसका प्रेम ज्यादा और किसका प्रेम कम। वही ब्योरा वही स्पष्टीकरण धामधनी ने अंदर दिल में लिया कि मैं एक दिन तो ये रूहों को मेरी पातशाही और मेरा प्रेम का जो सुख है उसकी जो साहेबी है वो रूहों को अभी तक पता नहीं है। तो रूह बड़ी रूह सब रूहे बड़ी रूह सो मिलके रबद किया हक सो क्या किया सब रूहे कहे हम सो ये इशक है हम मो और आशिक है हम क्या कहा सब रूहे मिलके और बड़ी रूह मिलके सब रूहे हम सभी ब्रह्मात्माए सभी सुंदर साथ और श्यामा जी सब ने मिलके राज्जी को बोला कि हे प्राण प्रियतम हे धाम धनी हम सब आपके आशिक है। इतना ही नहीं और क्या किया आगे बोला कि हे धनी हमारा जो आपके प्रति प्रेम है वो पूर्ण है। ये सुन के श्यामा जी ने बोला ये कथन को सुन के श्यामा जी बोली कि तुम सब रूहे सत्य हो तुम जो बोल रही हो ये अटल सत्य है लेकिन पहले मैं राज्य को प्रेम करती हूं फिर ये प्रेम मैं आपको करती हूं पहले मैं राज्य की आशिक हूं। यह किसने बोला ये श्यामा जी ने बोला फिर राज्य हम सबको प्रेम करते हैं। ये दोनों का सुन के ये दोनों का कथन पहले सखियो और श्यामा जी ने बोला कि हम सब आपके आशिक है और हमारा आपके पति पूर्ण प्रेम है और हम सब आपको रिझाती है ने हर लीला में हम सब आपको रिझाती है। फिर श्यामा जी ने बोला कि पहले मैं राज्य को करती हूं ये प्रेम फिर मैं सखियों को करती हूं तो पहले मेरा प्रेम है। ये दोनों की बात पहले राज्य ने सुन ली फिर राज्य ने यह कथन को सुनकर राज्य ने बोला कि सखिया बड़ी रूह श्यामा जी और तुम सब 12,000 रूहों का मैं आशिक हूं सबके प्रति सबसे ज्यादा मेरा प्रेम है। तो यहां एक प्रश्न खड़ा उठता है सुंदर साहब जी सब अपनी अपनी बात पर सत्य है सब अपने अपना जो कर रही है वो भी सत्य है क्योंकि परम धाम में अभी भी मैंने बताया ने कि कोई कम और ज्यादा तो नहीं है वहां वध और घट कम और ज्यादा किसका अधिक किसका कम वो वहां फैसला वहां निर्णय वो ही नहीं पाता वहां विवरण वो ही नहीं पाता। फिर राजी ने बोला सखिया मैं तुम सबसे बड़ी रू श्यामा जी और तुम सब आत्माओं से मैं प्रेम करता हूं क्योंकि सबके प्रेम सबके दिल में जो अनंत प्रेम है ने
वो सबके दिल का अनंत प्रेम का जो भंडार है वो मेरे दिल का स्तोत्र है। मेरे दिल में जो एक इश्क का गंजान गंज जो स्तोत्र है वही स्तोत्र जब प्रवाहित होता है, जैसे मान लो हिमालय, हिमालय एक बर्फ 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 के रूप में घनीभूत है ना, हिमालय बर्फ के रूप में घनीभूत है। जब वो प्रवाहित होता है, जब वो प्रवाहित होता है तो वहां से गंगोत्री से गंगा निकलती ना, ऐसे कई नदियां निकलती है। तो घनीभूत है वो द्रवीभूत हुआ, क्या हुआ? द्रवीभूत हुआ। तो घनीभूत के रूप से पिघल कर बर्फ पानी बनाने, पानी के रूप में गंगोत्री के गंगा के रूप में नदियां प्रवाहित होने लगी। ऐसे ही राज जी ने बताया सखियों और श्यामा जी को कि सखिया मेरे दिल में जो तुम्हारे प्रति जो अनंत इश्क जो गंजान गंज प्रेम है उसका आप सब मिलकर तुम और श्यामा जी, तुम सब रूहे और श्यामा जी मिलकर उस पर चिंतन करो, उस पर विचारणा करो, विचारो कि तुम्हारे दिल में जो मेरे प्रति प्रेम है उससे भी ज्यादा मेरा तुम्हारे प्रति अनंत प्रेम है। मेरे प्रेम से तो तुम पूरे परमधाम में ये प्रेममय लीला कर रही हो। तो एक प्रश्न भी खड़ा होगा कि सुंदर साजी तो वहां ही प्रेम का फैसला हो जाता तो ये ब्रह्मांड बनाने की जरूरत ही क्या, वहां वो गया ने। मैंने बोला ना कि सबका प्रेम सबका दावा अपनी अपनी जगह सच है। तब राज जी ने दिल में लिया, तब हक के दिल में उपजिया में देखा हूं अपना ईशक और देखा हूं अपनी साहेबी। तब राज जी ने दिल में लिया कि परम धाम में तो ये असंभव है कि किसका प्रेम ज्यादा और किसका प्रेम कम। फिर सुंदर साथ सखियाओं को बोला कि हे सखिया यहां तो ये फैसला ये विवरण नहीं होगा, क्योंकि फिर सखिया ने बोला कि धामधनी हम तो 12,000 आत्माएं, हम आपको 12,000 एक साथ में रिझाते हैं तो हमारा प्रेम ज्यादा हो जाएगा ने, हमारा प्रेम कितना ज्यादा हो जाएगा, कितना अधिक हो जाएगा। फिर राज जी ने दिल में एक बात उठी कि देखो उसके अंदर और चाह बढ़ती जा रही है, वो चाह बढ़ाने वाले कौन थे? राज जी थे, छलिए थे। तो फिर राज जी ने बोला कि सखिया चलो ये फैसला ये विवरण तो यहां नहीं होगा कि मेरा प्रेम ज्यादा है। तुम ऐसा करो कि मेरे चरण में बैठ जाओ, मैं आपको ऐसा खेल दिखाऊंगा, ऐसा खेल दिखाऊंगा कि आपने कभी भी देखा नहीं है। फिर आगे बोला कि खेल में तो आप जाओगी, वहां जाके मेरे को भूल जाओगी, इतना ही नहीं घर को भी अपने दिव्य परम धाम को भी भूल जाओगी, इतना ही नहीं निज अपने निज स्वरूप अपने स्व को भी अपनी आत्म को भी आप भूल जाओगी। ये सुन के सखियों को आश्चर्य हुआ कि अरे धनी क्या ये खेल इतना खूबतर है, क्या ये खेल इतना रहस्यमयी है कि हम आपको भूले और घर को भूले और हमारे निज हमारी स्व आत्म को भी क्या भूल जाएंगे, क्या ये इतना अज्ञानतामय इतना अंधकारमय इतना निंदमय खेल है क्या? तब राज जी ने आगे बोला हा सखिया ये खेल पूरा अंधकारमय है। देखो वहां सखियों को यह भी नहीं पता लगा कि नींद किसको कहते हैं, अज्ञान किसको कहते हैं,
राजी ने वाणी में बताया ने कि सुख रूहे बे न्याज थी, रूहे बे न्याज थी बिच बक्का बारे हजार, जाने ना आप अपनी साहेबिया अपार। रूहे हम सभी आत्माएं वहां क्या थी, बेनियाज, बिंदास, बस कुछ कोई जात की किसी प्रकार की टेंशन चिंता कुछ नहीं, बेनियाज। जैसे छोटे बच्चे होते ने, माँ की अंगुली पकड़कर जाते रास्ते में चलते चलते, उसको कोई टेंशन चिंता होती, किसको होती, माँ को, कि वो गिर ना जाए। बस उसने किस पर छोड़ दिया, माँ पर छोड़ दिया ने, कि मैं गिरूंगा तो भी माँ उठा लेंगी ने। इधर उधर कुत्ते छलांगे मारते जाते, उसको टेंशन चिंता नहीं रहती, किसको रहती, माँ को। ऐसे परम धाम में सुंदर साथ जी, हम बेनियाज थी, सब कुछ हमारा किस पर आधार था, राजी पर। फिर राजी ने बोला कि सखिया तुम्हारा ये मूल तन है ने, ये नूरी तन परात्म तन, ये नहीं जाएगा, ये कहां रहेगा, ये मूल मिलावे में मेरे चरण तले रहेगा। चलो ऐसा करो, ऐसे मान लो मैं यहां बैठी हूं, ऐसे ही आप मेरे चरण में बैठ जाओ, मेरे चरण में बैठ जाओ। लेकिन सुंदर साह जी, मैंने अभी बात जो छोड़ी, अनादिकाल से जो रबत चलता आ रहा था, उसमें हमारी जिस दिन से अक्सर ने देख लिया ने, तभी बैठाया। यहां बात में जोड़ देती हूं कि जिस दिन मैंने बोला ना, अक्सर तो अनादिकाल से चांदनी चौक में 7:30 से 9 बजे के बीच में दर्शन करने के लिए आते थे, फिर चले जाते थे। जिस दिन राज जी ने दिल में इच्छा ली कि आज मैं सखियों को ये साहेबी और साहेबी के इश्क का पता लगाऊ, उसकी पहचान कराऊ, तभी राज जी ने ये पार पुरुष कौन है, ये अक्षर कौन है, उसके सत्ता के स्वरूप कौन है, उसको बताया। तो तभी हमारा सुंदर सा जी, जिस दिन में हम खेल में आए, कितने बजे आए हम, 4:30 बजे आए, और जाना कहां था, पाट के घाट, और आ कहां गए, माया के घाट। रोज हम कितने पक्ष में घूमते थे, 25 पक्ष में, और आज हम कितने नंबर के पक्ष में आ गए, 26 नंबर के पक्ष में आ गए। परम धाम में हमने कभी भी 26वें पक्ष की लीला नहीं देखी थी, तो 4:30 बजे परम धाम में वहां एक पल, एक साइत, एक घड़ी वहां हुई नहीं है। लेकिन यहाँ के समय, यहाँ के काल, यहाँ के पहर, यहाँ के दिन, यहाँ के महीने, यहाँ के साल के आधार पर हमने कितने साल गुजार दिए इस संसार में। अरे ब्रज में नहीं आई क्या, अरे 400 साल ही नहीं थके हो, इसका यही उसका भाव यही, थके नहीं हो अभी, कोई बात नहीं, अभी थके नहीं हो, 5000 साल हो गए, चलो कोई बात नहीं। ब्रज में तो 11 साल लीला की थी, इसलिए बहुत थके नहीं थे, बहुत थके नहीं थे, इसलिए कोई बात नहीं, 400 साल बोला, कोई बात ठीक है, बांधो कोई बात। सुंदर साथ जी, राज जी ने बोला कि बैठ जाओ मेरे चरणों में, लेकिन अभी मैंने बात छोड़ी कि वहां पल भी बीती नहीं हुई है, या 5000 साल बीत गए। और उस दिन सुबह से बस यही बात चल रही कि धनी वो वाली बात बताओ, क्या बात, जो सुबह को हमारी रोज नीरत की लीला चलती, अष्टपहर दिन 64 घड़ी हमारी लीला चलती ने, मैंने पहर के बारे में तो ज्यादा स्पष्टीकरण कर दिया, उस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे, कि सुबह से कहां से हमारी लीला शुरू होती है, 6 बजे पहर वहां से, भले 5 बजे उठ के हम पांचवी भूमि का जो रंग पर वाली मंदिर, आसपास के सयन के मंदिर से हम चले आते हैं 3री मंजिल में, और परसाल में जरूखे में आ जाते ने, वहां हमारी लीला शुरू हो जाती है सुबह से, और जरूखे से परसाल से
सुबह को 6 बजे 7:30 से 9 बजे के बीच में अक्षर आते, लेकिन पहले 6 बजे हम भोग में बोलते हैं वन और पशु पक्षिया, वन और वन के सभी वृक्ष जो है पूरे परम धाम के 8 सागर तक के, और पशु पक्षिया को राज्य अपनी प्रेममयी अमृतमय दृष्टि से प्रेम का सिंचन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अक्षर को भी दर्शन देते। हम शॉर्टकट में थोड़ी लीला ले ली सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म दर्शन, अक्षर ब्रह्म को दर्शन देते, उससे पहले भी और लीला भी घटित जो जाती है, लेकिन घड़ी की ओर ध्यान चली गई तो मैं लीला काट दी, लेकिन थोड़ी ले लू 2 मिनट की, कि सुबह को वन और पशु पक्षियों को सुंदर साथ जी जब अमृतमय प्रेममय दृष्टि से सिंचर करने के बाद हमारी जो लीला सिंगार की होती है, जो 4 मंदिर के आगे के दैलान में राज्य का सिंगार होता है, उसमें 4 सखियां राज्य को सिंगार कराती है, और आसमानी रंग के जो दूसरी मंदिर की आ रही 6000 मंदिर की, उसमें पहला वाला आसमानी रंग का जो मंदिर है 28 स्तंभ के चौक की दक्षिण दिशा में, वहां श्यामा जी का सिंगार होता है, वहां 4 सखियां श्यामा जी को सिंगार कराती है, और उसके बाद तीसरी भूमिका में आगे वाला परसाल जरुखा छोड़कर देहलान छोड़कर जो तीसरा जो हमारा चबूतरा आया है वहां राजी और श्यामा जी को हम बाल भोग लगाते हैं यहाँ के लीला के आधार पर, अष्टपर की लीला के आधार पर, और हम सब सखिया जरुखे परसाल या देहलान में और अलग अलग जरुख में हम भोजन सुबह का बाल भोग करती है। उसके बाद सुंदर सा जी वहां राजी और श्यामा जी का जो चबूतरे के बीच में जो 3 सीढ़ियां बनी है 28 स्तंभ और चबूतरे के बीच में, वहां मिलन भी दोनों का होता, अर्ष मिलावा ले चली अपने संग सुभान की ही आचालिया सब दिल का आगु आए लिए मेहर मान, ये लीला भी होती है। उसके बाद क्या होता है, नीरत की लीला, और एक जुथ नीरत करता है, और कई जुथों को नहीं जाना होता हमारे जैसे, कभी शांति से यहाँ बैठे तो नहीं जाती, ऐसा तो कुछ नहीं है परम धाम में तो, और कई जुथ वहां नीरत निहारते है, कई बार नवरंग बाई की बारी, यहाँ तो अलग अलग सखिया का रोज कितने जूथ है परम धाम में 40 जूथ, और एक जूथ में कितनी सखिया रहती है 300 सखिया रहती ना, 4 3 12 तो 300 सखिया में रोज अलग अलग एक एक सखी की बारी रहती है, ये नियत करती है राजी श्यामा जी, रोज ही जरोको को परसाल में पीठ देकर रोज ही नीरत निहारते, और सखिया बनों में जाती है, वहां साग पान तरकारी दोपहर के भोग में बोलते हैं ना, सैया केतिक बन में जावे साक पान मेवा सब लियावे, ऐसे साक या तरकारी लेने के लिए चली जाती है, इतने में नीरत की लीला, और फिर वो आ जाता है जुथ, फिर सखिया भोजन आदि की लीला में लग जाती है, कोई फूल की माला बनाती है और कोई बीड़ा बनाती है पान की, फिर 11:45 बजते है, फिर राज्य के पास लाडबाई आती है, क्या बोलती है लाडबाई, राजी आपकी आज्ञा हो धनी जी, प्राणनाथ बोलिए क्या बोलना है, राजी तो भी दूरी का एक संबंध बन जाता है, क्या बोलना है सीख लेना 15 दिन में पूरा, प्राणनाथ प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ आपकी आज्ञा हो तो मैं रसोई लेकर आऊ, तो राजी ने क्या आज्ञा दी हमारे धनी ने, जी आप लेके आओ, फिर सुंदर साजी लाड भाई के जूत की जो सखिया हरक भाई के जूत की सखिया साग बाजी लेकर आई थी, रसोई बनी थी, फिर आज्ञा हुई, फिर भोग आया और सबने भोग भी आरोगा, आप भोग में गाते हो, समय हमारा साथ नहीं दे रहा है, मैं इस लीला में ज्यादा नहीं जाऊंगी, लेकिन भोग आरोगा हम सबने राजी श्यामा जी को पहले आरोगाया, फिर हम तले की भोम में, ऐसा तो नहीं है लेकिन लीला के आधार पर जाते, फिर हम तले की भोम में भोग आरोगने के लिए चली गई, जहाँ रसोई की हवेली आसपास के देहलान है, 3 देहलाने बनी है, एक ही और मंदिर है, हम सब 25 पक्षी चर्चनी सीख चुके हैं, वहां हमने भोग आरोगा, फिर उसके बाद राज्य के पास आई, बीड़ा आरोगाया, हम सबने भी बीड़ा लिया, फिर क्या हुआ, कहाँ बीड़ा पड़ा था,
नीले न पीले मंदिर में चौकी पर ये बीड़ा तो सबने आरोग लिया, फिर राजी श्यामा जी को क्या सुला दिया, नीला पीला क्या हम ही सब घूमने के लिए जाएगी, वाला जी नहीं आएगे क्या, धामधनी प्राणनाथ नहीं आएगे, आएगे नहीं हमारे साथ, वाला जी में अलग है ही नहीं। हाँ लीला के रूप में बताया कि सब घूमने के लिए चली गई ये दोनों को, राजीव और श्यामा जी को यहाँ की लीला के आधार पर दोनों को वहां आराम शयन के लिए सुंदर सा जी हमने पढ़ावनी करा दी, फिर हम सब चली गई। फिर क्या लीला हुई उसके बाद, ये दोनों शयन कर रहे हैं, हमने बीड़ा भी आरोग लिया, हम वनों में भी चली गई, वनों से फिर वापस हम लौटी ने, फिर वापस लौटी, आने के बाद राजी के पास गई, राजी के चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम के बाद जो हल्के फुलके फल या कोई ड्राई फ्रूट मेवे कुछ आदि वनों से लेकर आई थी, फिर राजी को श्यामा जी को खिलाए, सब सखियों ने भी खाया। लेकिन सुंदर सा जी एक बात आप ध्यान में ले लो, अंदर ले लो, सुन लो आज एकाग्रता से, वहां मैंने अभी भी बताया, फिर मैं अलग रूप से बता रही हूँ कि वहां अलगता नहीं है। जहां सखिया लीला के रूप में कोई पक्षों में नदी की परिक्रमा में गई ना, अभी तो दूर की परिक्रमा में, क्योंकि 15 दिन शुक्ल पक्ष का और 15 दिन कृष्ण पक्ष का, जब अंधारे का दिन रहता है, अंधेरे का दिन तभी कृष्ण पक्ष की लीला, और उजाले के दिन में शुक्ल पक्ष की लीला। तो अंधेरे के दिन में जो कृष्ण पक्ष की लीला में हम सुबह को और शाम तक की जो हमारी लीला रहती है वो 6 बजे तक की रहती है, कितने 6 बजे तक की, और शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष में 6 बजे तक की, शुक्ल पक्ष में 9 बजे तक की लीला रहती है। तो दोपहर को 3 बजे हम फिर वापस आई नीले ने पीले मंदिर में। तो जो सखिया वनों में गई थी वहां स्वयं को अपने सामने धनी को सन्मुख अनुभव कर रही थी, क्या कर रही थी, वहां अलग नहीं मान रही थी, जो भी सखिया जहां जहां गई वहां स्वयं को अपने को कहां मान रही थी, धनी के सन्मुख ही मान रही थी, वहां अलग नहीं मान रही थी। राज्य के पास आई, सबने ड्राई फ्रूट मेवे खिलाया, सबने खाया, फिर राज्य ने पूछा कि आज सखिया कहां जाना है, तो कहां जाना है, तो फिर जो हमारा रबद चल रहा था हो ही बात पर हम फिर आ गए। फिर राजी को बोला कि धाम धनी आप सुबह को बता रहे थे जो माया का खेल देखने की बात कर रहे थे, धाम धनी ने बताया ना एक बार तो कि मेरे चरणों में बैठ जाओ, मैं पर्दा एक माया रूपी फरामोसी का पर्दा डाल रहा हूं और पर्दे में छिपकर आप खेल देखोगी, मेरे चरणों में बैठोगी। फिर दोबारा बताया, अभी फिर क्या बताया, क्योंकि जाना था तो राजी ने पूछा किस घाट में, किस स्थान में, किस लीला में जाना है, तो फिर राजी ने बताया कहां जाना है, तो सखिया ने बताया, सखिया बोली कि धनी आज कहीं नहीं जाना है, बस जो माया का अक्षर का खेल आज देखना है, जो पल में कई खेल बनाते हैं ने, अब सुनियो जो मूल वचन प्रकार, जो नहीं उपजो मोहंकार, ना ही निराकार ना ही शून्य, ना निर्गुण ना निरंजन ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहू आपा बीती, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र, जाकी इच्छा मूल प्रकृत, वही खेल को देखना है। मैंने अभी बताया ने कि वहां बेनियाज थी, उसको पता ही नहीं था कि खेल क्या है, तो वही रबद लेकर फिर बैठी। तो धाम धनी ने बताया कि सखिया फिर मना करे कि ना जाओ उस खेल में, वहां जाके क्या करोगी, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग देश में, अलग अलग कुटुंब कबीले में, अलग अलग पति बनाकर और वहां जाकर ऐसे कर्मकांड, ऐसे झूठी रस्में, ऐसे आडंबरों में फंस जाओगी, मैं कई धर्म शास्त्रों में अपनी साक्षियां लिखाऊंगा, चाहे कतेब हो चाहे वेद हो, मैंने कतेब चाहे कुरान या हदीस, बाइबल, अंजील, जंबूर या तोरेत हो,
या वेद या छह शास्त्र या उपनिषद चाहे पुराण हो, मैं शास्त्रों में साक्षियां लिखाऊंगा। तुम साक्षियां पढ़ोगे भी, सुनोगे भी, आज सुन रहे हो ने, सब वास्तविकता का आपको पता भी लग जाएगा। लेकिन घर पे जाके 6 बजे के बाद फिर झूठी रस्मों में, फिर कर्मकांडों में, फिर आडंबरों में पड़ जाओगी। मेरी एक बात आप मानोगी नहीं, क्या बोला, मेरी एक बात, हम मूल में अभी जा रहे, अभी व्रज में हम नहीं उतरे सुंदर साथ जी, उसके बाद व्रज की लीला आएगी, कोई बात नहीं, मैं कल व्रज की विस्तार से लूंगी। लेकिन हम पहले कहां हमारा मूल है, कैसे आना हुआ इस सृष्टि में, वो हम विस्तार से जान ले। फिर अक्षरातीत ने बोला धाम धनी ने कि साक्षिया सिर्फ नहीं लिखाऊंगा, मेरी श्यामा जी आएगी, मेरी अर्धांगिनी आह्लादिनी, मेरी आनंद स्वरूप आएगी, वो आएगी, इतना वचन कहेगी, ब्रजराज से समझाएगी आपको, धाम की बातों से समझाएगी, आप सुनोगी भी, जितनी देर 2 घंटे या 2.5 घंटे यहां बैठोगी ना, तब तक तो दिल में लोगी, तब तक तो ये वचन रो रो कर, अभी रोया ने, सबने रोया, रो रो कर सुनोगी, आंसू भी गिराएगी, विरह भी करोगी। लेकिन फिर घर पे जाके फिर भूल जाओगी। राज जी ने वाणी में बताया कि रूह अल्लाह उसी हादी मीठे सुकन हक के, कैसी तुम्हें रोए रोई, सुन सुन तुम रोए सी, पन होश में ना आवे कोई। तुम मेरा वचन जितनी देर ये पंडाल में बैठोगी, इस मंच में बैठोगी, तब तक तो सुनती रहोगी, लेकिन घर में जाके फिर बेहोश हो जाएगी। कैसे बेहोश, वो कोमा वाली नहीं कि अस्पताल में जाओ और होश में ना हो और डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट करे, वो कोमा वाली बेहोश नहीं, वो तो कदाचित 3-4 दिन में होश में भी आ जाओ। ये तो कितने साल की बेहोशी है, 5,000 साल हो गया सुंदर सा जी हम ब्रज में आए, उसके बाद रास में आए, चलो तभी तो अंधेर का खेल था, पूरा अंधकार में ब्रज की लीला थी, रास की अर्ध जागृत और आधी नींद की थी, लेकिन जागने की लीला 400 साल से चल रही है, 400 साल से अब सो रहे हम नहीं जगे, मैं तो नहीं मानी मैं जग गई हूं, तो मैं आज उपदेश देने के लिए बैठ ही नहीं पाती, मैं जग जाती ना तो बोलने के लिए मुख से शब्द भी नहीं निकलते, मैं डूब ही जाती, मैं अभी तक यहां बैठी हूं ना उसका प्रमाण यही है कि मैं नहीं जगी हूं। हाँ मैं पक्का मैं कहती हूँ मैं नहीं जगी हूँ, बस हाँ मैं जर्नी में हूँ, मैं यात्रा में हूँ, मैं भी जगने की और धनी का दीदार, मेरे प्राण प्रियतम का दीदार के लिए मैं भी यात्रा में निकल पड़ी हूँ, लेकिन धनी ने मेरे को बस इस शोभा में, इस सेवा में लगा दिया है, बस लग गई हूँ। लेकिन विरह तो पैदा करना ही पड़ेगा मेरे को भी ये प्रेम प्रकट करना ही पड़ेगा। विरह पैदा होने के बाद धनी नहीं मिलेंगे, ज्ञान से सुंदर सा जी सिर्फ आपकी पहचान होगी, कितनी कि भाई हमारा घर परमधाम में, हमारा प्राण प्रियतम अक्षरातीत थे और हम परमधाम से आए हैं, लेकिन दीदार नहीं हो पाएगा जब तक हमारे अंदर वीरा नहीं पैदा होगा, तब तक प्रेम नहीं आएगा, तब प्रेम नहीं आएगा, तब तक धनी का दीदार नहीं होगा। धाम धनी ने बताया कि दुख से वीरा उपज सी, वीरा से प्रेम इसक, इसक प्रेम जब आया तब नेहचे मिले हक, जहां जब तक तुम्हारे अंदर दुख नहीं पैदा होगा। देखो कुंती ने अंतिम में क्या मांगा, दुख मांगा, कुंती ने अंतिम में क्या मांगा कृष्ण को, दुख मांगा कि हे कृष्ण मेरे को दुख दे, तो ही तो तू नहीं भुला जाता, जो पूरे राज दरबार राजमहल में सुखी सुख में रखोगे तो मेरे को आप कैसे याद आपकी आएगी। ऐसे महामती ने क्या मांगा, दुख तो मेरे प्राण से प्यारो, मैं क्यों कर छोड़ियो जाए, जो मैं लियो है बुलाए। और महामती कहे दुख को मोल कियो न जाए, लाख बेर सिर दीजिए तो भी सर भर ना आवे ताए,
सखी रे आतमरो गबुरो लाग्यो, सखी रे आतमरो गबुरो लाग्यो। जिनको दारुन मिले तबीब, जिनको दारुन मिले तबीब, सखी रे आतमरो गबुरो लाग्यो, सखी रे आतमरो गबुरो लाग्यो। चौदह भवन में न पाइए, चौदह भवन में न पाइए, जो हुआ हाथ बीब, सखी रे आतमरो गबुरो लाग्यो, सखी रे आतमरो गबुरो। आत्म रोग कासो कहिए, जो पीठ दई पर आत्मा। आत्म रोग कासो कहिए, आत्म रोग किसको कहते हैं? जो हमने पीठ पर आत्म को दे दी ने, मूल तन को, नूरी तन को, दिव्य तन को, जो मूल मिलावे में दिव्य परम धाम में जो बैठे है, उस तन को हमने पीठ दे दी और संसार की ओर हमारी दृष्टि पूरी डूब चुकी, सिर्फ देख नहीं रहे। मैंने कल बोला था कि आत्म यह खेल को देखने के लिए आई, दृष्टा बनकर। एक वृक्ष है, उसमें दो पक्षी बैठे, एक भोगता है एक दृष्टा है। तो हम देखने के लिए आए, भोगने के लिए नहीं। ये धनी ने, ये सब साहेबी, ये सब जो हमको ये सुख दिया है ने, आज घर परिवार या मकान या जायदाद या घर का, ये सिर्फ देखने के लिए, दृष्टा बनकर देखने के लिए, भोगने के लिए नहीं। एक मान लो ये धर्मशाला है, ये होटल है, एक रेस्टोरेंट है, ये छोड़ देना है एक दिन, ये हमारा नहीं है। जैसे हम रेस्टोरेंट या होटल या जब धर्मशाला में हम जाते ना, वहां जितना किराया हम देते हैं इतने दिन हम रुक सकते हैं। जब चेकआउट होता उसके बाद हम रुक नहीं सकते। ऐसे ही यहाँ त्याग की भावना से रहना है बस। धामधनी तेरा आभार, तेरे को थैंक्स, तेरे को शुक्रिया, तूने मेरे को इतनी धन संपत्ति, इतनी जायदाद, इतनी मिलकत दी, क्या मेरी औकात, क्या मेरी पात्रता, क्या मेरी पात्रता से ज्यादा तूने इतनी धन संपत्ति मेरे को दे दी है। उसका रोज धन्यवाद, उसको रोज थैंक्स को। यहाँ के पति हमारा घर परिवार चलाते तो अभी हम कितना आभार मानते, कितना प्रेम करते, कितना उस पर लुटाते हैं, उस पर लुटाओ, कितना दिया धनी ने हमको, हमारी क्या पात्रता थी, हमारा क्या स्तर था। तो बस यही धर्मशाला मानो, बस त्याग की भावना से रहो यहाँ कि बस धनी जितने दिनों के लिए तूने भुगतने के लिए दिया है, बस इतने दिनों भुगना है। ये मेरे का है नहीं, मेरा पहले भी नहीं था तो आज कैसे होगा, ये सब आपका है। बस आपने मेरे को थोड़े दिन के लिए बस उसका लाभ लेने के लिए, उसका सुख लेने के लिए मेरे को दिया था, बस आप वापस ले लो। मेरे को तो आपका चरण चाहिए, बस आपके चरण के सुख दे दो, मेरे को कुछ ही नहीं चाहिए यहाँ के नश्वर चीज, बस धनी आपके चरण कमल चाहिए और आप चाहिए, बस उसको मांगो। सुंदर सा जी, बार बार मैं विनंती करूंगी, रोज करूंगी, धनी के पास कभी भी मन्नत मत मांगो, धनी के पास कुछ नश्वर चीजें मत मांगो, धनी के पास सीधे उसको ही मांग लो। तो तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। क्या अभी तक किसी ने धनी को मांगा? कल किसी ने पुत्र मांगा, कल किसी ने यह चीज मांगी, कल किसी ने वो चीज मांगी, कल वो मन्नत मांगी, कल वो मन्नत मांगी। मैंने मेरे को बताइए, किसी ने परमधाम मांगा? कितने दिनों से तारतम ले लिया, कितने सालों से मंत्र ले लिया, मैंने भी नहीं मांगा अभी तक। धनी से धनी को मांगो, राज्जी से प्रणाम करो ने तभी राज्जी को मांगो। कभी भी यहाँ की नश्वर चीज मत मांगो, यहाँ में डूबकर क्या करेंगे? कोई लोग यहाँ उगरे नहीं है, सब डूब गए हैं।
मैंने अभी बताया वल्लभाचार्य निकल पाए, मैंने अभी बताया सुखदेव निकल पाए, सनकादिक निकल पाए, शिव निकल पाए, सब यहां डूब गए। ये धामधनी प्राणनाथ हमारे लिए ज्ञान लेकर आए कि हमको क्षर अक्षर से परे ये परम धाम का ज्ञान की समझ देकर ये किच्चड़ रूप माया से निकाला, दोबारा धनी नहीं आएंगे। तो धामधनी ने क्या बताया, महामती ने भी दुख मांगा इस संसार में कि दुख को मोल ना हो, उसकी कोई मूल्य ना हो सके, उसकी कोई कीमत आंक ना सके, क्योंकि दुख से मेरे पीयू मेरे को मिले ने सुख में, कोई संसार में किसी को सुख से नहीं मिला। सुंदर साथ जी, एक एक छोटा सा बीज होता ने, जब तक अपना अस्तित्व जमीन में बोने के बाद अपना अस्तित्व नहीं मिटाता ने, तब तक वो बीज भी उगते नहीं, वो उसका अंकुरित अंकुर नहीं निकलता, वो अंकुरित नहीं होते। जब तक हमारा अस्तित्व इस संसार में खड़ा रहेगा, जब तक हम हमारा अस्तित्व नहीं मिटाएंगे इस संसार में, तब तक हम धनी को नहीं पा पाएंगे। जब तक मैं ज्योत्सना नाम के तन को खड़ा कर या मैं इतनी सुंदर हूं, या मेरी इतनी धन संपत्ति है, इतनी जायदाद मिलकत है, मेरे पति है, या मेरा गृहस्थ परिवार इतने सुख समृद्धि से भरपूर है, देखो कितने लोग मेरे आसपास घूम रहे हैं, मैं एक विद्वान हूं, मेरे को कितनी प्रतिष्ठा मिले, सब दिखेंगे ने, तब तक धनी नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। छोड़ दो, ठोकर मार दो, नहीं चाहिए ये। चाहे कोई प्रणाम करे या न करे, बस उसको प्रणाम करो, बस उसके चरणों में झुक जाओ। झुकने में मजा है, झुकने में प्रणाम, बस झुक जाओ। कोई आए या ना आए, तुम जाओ, बस सबको रिझा लो, सबको प्रेम कर लो। ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। परम धाम में तो फिर हम प्रेम के सागर में डूब जाएंगे, फिर आनंद के सागर में डूब जाएंगे। कौन कौन किसको रिझाएगा, वहां रिझाने का मौका ही नहीं मिलेगा। रिझा लो, सबको प्रेम कर लो, किसी के साथ द्वेष घृणा ईर्ष्या मत करो, खुश हो ने, खुश हो जाओ ने। हम प्रेम के स्वरूप है, हम आनंद के स्वरूप है, क्यों दुखी हो। धामधनी ने पहले से बताया था, आप रूहल्ला आएगी, आप उसके वचन नहीं, 5 मिनट लेती हो सिर्फ आपका, बस ब्रज में उतार दो। धामधनी ने बताया रूहल्ला आएगी, नहीं मानोगी, आप सुनोगी इतनी देर तो आप विरह करोगी, घर में जाके फिर बेहोशी, हमने बात छोड़ी ने, फिर बेहोश, फिर निंद्रा में पड़ जाओगी। तब बताया सखिया ने, बोला कि धनी हम क्या इतनी नादान है, क्या हम इतनी ना समझ है, क्या इतना पाप, ऐसे हत्याचार काम, ऐसे हम थोड़ी कोच करेंगे, हम तो इतनी चतुर है। आप पहले से हमको सावचेत कर रहे हो, पहले से अलर्ट कर रहे हो, पहले से सावधान कर रहे हो, तो क्या ऐसा होगा इस खेल में। तब धनी ने बोला होगा। फिर सखिया ने बोला नहीं धनी, आपने पहले सावधान कर दिया ने, नहीं होगा। फिर राजी ने बोला कि सखिया होगा, आप नहीं मान रही हो ने। फिर सखिया ने बोला कि धनी एक बार नहीं, 100 बार देखो अजमाई के, जैसा साहेब कहे थे ऐसी कबू हमसे ना होई, 100 बार देखो अजमाई के, ऐसी मोमिन न करे कोई। धनी एक बार नहीं, 100 बार अजमाओगे ने तो भी हम आपको नहीं भूलेगी, घर को भी नहीं भूलेगी और स्वयं को भी नहीं भूलेगी। धनी बस हमको तो ये माया का खेल देखना है, देखना है और देखना है। फिर उसके अंदर एक दहशत, एक बिक अंदर घर कर गई। फिर उसने बोला कि सखिया, राजी ऐसे डर बता रहे हैं धनी हमको कि खेल अंधेर का है, माया का है, मेरे को भूलेगी, घर को भूलेगी, अलग अलग वेशभूषा में जाओगी। फिर सखिया बोली कि सखिया चलो, जैसे तो आप बैठे हो ने, ऐसे वो सखिया भी, हम भी वहां परम धाम में परातम तने ऐसे गल मलिया, ऐसे गले से गले मिलाकर, बाई में बाई डालकर बैठे, और सखिया ने एक दूसरे को अलर्ट कर दिया कि सखिया हमारा तन वहां नहीं जाएगा। धामधनी ने बोला ने, आपका तन वहां नहीं जाएगा, तो वहां हमारा तन नहीं जाएगा,
हमारा तन यहाँ रहेगा तो क्या हम दूसरे घर में चली जाएगी? समझ में आ रहा है मेरा? क्या कोई साई नगर में, कोई सिल्वर स्टोन में, या कोई देवपरा से आए, या ए टू जेड, मेरे को याद नहीं आ रहा है सब एरिया, क्या ऐसे सब घर में चली जाएगी हम? राज जी ने बोला हाँ चली जाओगी। वहां से एकत्रित करना बहुत कठिन होगा। हम कितने दिन से मीडियो में मैसेज भेज रहे तो भी सोच रहे कि दो दिन लास्ट में अंतिम में हम व्यवहार निभा लेंगे, चलेगा, कोई बात नहीं। राज जी थोड़ी देख रहे है, चलेगा। रोज थोड़ी रिक्शा, रोज किराया देना। ज्योत्सना बहन तो ऐसे ही फ्री है, करती रहेगी चर्चा, मीडियो पर सुन लेंगे, यूट्यूब पर तो आएगी आएगी, दो दिन नाता निभा ले, चलेगा। राज जी ने बोला कि अलग अलग घर में जाओगी। सखिया अलर्ट हो रही है कि नहीं, वहां अलग अलग तन, अलग अलग घर, अलग अलग पति, अलग अलग बच्चे परिवार होगा, वो नहीं छोड़ पाओगी। बार बार याद करोगी कि ये खेल ऐसा है क्या, ये खेल अंधेर का है क्या, ये खेल क्यों बना, ये खेल कैसा है, हमारे लिए क्यों बना। बार बार ये बात को दोहराओगी, लेकिन तो भी खेल की चाह करोगी। ये बात पहले से राज जी ने मूल मिलावे से बता दिया था। कहां से बता दिया था? मूल मिलावे से बता दिया था। फिर सखियों ने बोला कि हमारा तन नहीं जाएगा। फिर राज जी ने बोला कि हमारे चरण, आप हमारे चरणों में बैठोगी तो हमारे सामने राज जी के भी नेत्र है खुले, हमारे नेत्र भी राज जी के सामने खुले मूल मिलावे में, और उसके नेत्र हमारे नेत्र में मिले हुए है, तो क्या अलग होगी? तो उसने बोला हाँ, यहाँ मेरे नेत्र के सामने मैं एक पति हूं ना, मेरे एक को देख रही हो ना यहाँ, वहां जाके 5000 साल में हजारों पति धारण करोगी मेरे एक को छोड़कर, मेरे एक को छोड़कर। प्राण प्रियतम बोल रहे हैं, हजारों पति के साथ अलग अलग लीला इस खेल में करोगी। अरे ये खेल इतना अंधेर है कि आप पूरा उसमें रल जाओगी, बह जाओगी। फिर सखिया ने बोला कि हम यहां से अलग ही नहीं हो रहे। सखिया आप ऐसा करो ना, मैं भूल जाऊं ना, तो आप मेरे को जगा देना, और तू भूल जा तो मैं तुरंत तत्काल आपको बता दूंगी। तो चलो हम रस परस, आप एक भी दूसरे आप ले कर ले। तो ऐसी भी अंदर अंदर बात हुई। फिर राजी ने बोला कि सखिया यहां से नजर ही नहीं रहेगी, आपकी आत्मा ही इस खेल में चली जाओगी। ये तो हंस रहे हैं। धामदनी ने एक दिली के सागर में जाके बताया ने कि महामती कहे बेठिया इनविद देख के हंक हंसते हम पर, देखो इनविद खेल में बेलिया रहे क्यों कर। मैं देख रहा हूं कि खेल में ऐसे कैसे साथ में रहोगी। मैं 12000 को साथ में भेज रहा हूं परम धाम से, वहां बार साथ में नहीं रहेगी। बोलो श्री प्राणनाथ। मैं एक साथ 12000 को भेज रहा हूं ने, एक सखी यहां होगी, एक तो मैं लोग कल फोन में बोल रही थी कि मैं बेड़ीपरा से कैसे पहुंचूं, एक कल बोल रही थी कि मैं इसकी और गोंडल की, गोंडल चौकड़ी की ओर रह रही हूं, वहां से कैसे पहुंचूं। कोई हमारा ऐसा बोले कि हम, तुम तो मैंगड़ी हर बार हर महीने में आ रहे हो, हम कैसे मैंगड़ी से रोज आते, रोज कैसे आ सकते हमेशा। कोई ऐसा बोले कि लोधिका से कैसे पहुंच पाते। कोई दुलसिया, मेरे मायके वाले भी बोल रहे हैं कि हम रोज तो नहीं आते। मैंने बोला मैं एक महीने आई 60 दिन, सॉरी 30 दिन लगातार रोज ही आई, आप 5 दिन नहीं आ सकोगे क्या? आज आए या नहीं आए? राज जी ने पहले से मूल मिलावे से बोला था कि 12000 को मैं एक साथ भेज रहा हूं ना परम धाम से, आप बार एक साथ नहीं रह पाओगी, नहीं रह रहे ना हम एक ये सोसाइटी, एक ठीक है। राज जी ने परम धाम जैसी सुविधा कर दी मोबाइल की, एक पल में अमेरिका भी बात कर सकते हैं ना हम, एक पल में। अच्छा है राज जी, वहां जैसी तन की चाल यहाँ मन की चाल है ना, वहां तन की चाल यहाँ मन की चाल है, लेकिन राज जी ने यहाँ भी तन की चाल भी ऐसी बना दी ने कि एक पल में हम मीडियो से, मोबाइल से, जितनी भी दूरी पर सोसाइटी में बैठी हो हम बात। चलो राज जी, मैं तो कई बार धीरूभाई अंबानी को भी बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये भी फ्री कर दिया। 24 घंटे
अनलिमिटेड कॉल लगे ही रहो, काम भले ही घर के। बोले श्री प्राणनाथ। सुंदर साथ जी, धामधनी ने पहले से अलर्ट कर दिया था, सावधान कर दिया था, मानी नहीं के 12,000, मैं आप सब 12,000 को जागृत करूंगा, लेकिन तुम 12,000 मिलके मेरे एक को तो जाहिर करना इस ब्रह्मांड में। हम मानी नहीं, फिर हम चरणों में सुंदर सा जी बैठ भी गए, सामने हमारी नजर भी खुली है। फिर राज जी ने अंतिम में बोला कि सखिया एक बार अंतिम मना कर रहा हो कि मान जाओ ये खेल देखने लायक नहीं है, इतना अंधेर का है, नहीं जाना है, मैं आपका पति नहीं हूं क्या? अलस तो आते हो तो गाओ, एक छुपाई में गाओ। अलस्तो बेरब कुम कया उतरते हकने, अलस्तो बेरब कुम। सुंदर सा जी क्या कहा? फिरा कया अरवाहोने बले न भूले हम, कया उतरते हकने अलस्तो बेरब कुम। सुंदर साथ जी, धामधनी ने अंतिम में बताया कि मैं आपका स्वामी नहीं हूं क्या? मैं आपका पति नहीं हूं? मैं आपका खाविद प्रियतम प्राणनाथ नहीं हूं? तो रूहो ने बोला अवश्य, भले चौकस तुम हमारे स्वामी हो, लेकिन खेल को देखना है, देखना है और देखना है। तो धामधनी ने ये खेल में सबसे पहले परम धाम से सभी आत्माओं को ये खेल में उतारे, सबसे पहले ये ब्रज में उतारे। तो ब्रज की लीला कल हम विस्तार से लेंगे, भले ही 2 दिन लग जाए, पूरी त्रिधा लीला, एक एक गोपनीय, एक एक गुज जो मायने है कि त्रिधा लीला में 11 साल और 52 दिन की जो लीला, उसमें कहां कहां से शक्ति आई कृष्ण नाम के तन में, वो शक्ति चली गई। फिर 11 साल की लीला, फिर 112 साल की जो लीला है बैकुंठ स्वरूप विष्णु की लीला। तो हर लोग बोलते हैं अलग अलग संप्रदाय मत वाले कि भाई तुम्हारी जो 11 साल की बार 11 साल और 52 दिन की लीला, वही लीला तो हम मानते हैं, लेकिन वो तन एक ही रहा, लेकिन शक्ति की लीला बार बार अलग अलग हुई। 11 साल और 52 दिन में अक्षरातीत की आवेश शक्ति संसार में आई, फिर अक्षरातीत की शक्ति परम धाम चली गई, और 11 दिन की जो फिर यहाँ प्रतिबिंब की लीला हुई, जो लीला 11 साल और 52 दिन की हुई, वो ऐसे काल माया के ब्रह्मांड बने थे ब्रज के। अभी के जो ब्रज और गोकुल मथुरा है जो यूपी में, वो नहीं कह रही हूं मैं, ये तो प्रतिबिंब के ब्रज और गोकुल मथुरा फिर बने 5,000 साल पहले, लेकिन उससे पहले जो एक ब्रज का मंडल बना काल माया का, समय के साथ दिन और रात का, जैसे लालदासी को प्रश्न उठे थे कि और दिन और रात वाला वो ब्रज मंडल क्या और यहाँ का गोकुल मथुरा वाला ब्रज मंडल क्या, लालदासी को प्रश्न उठे थे ना, जब चतुरा प्रोकरण और जिंदादास माली ने समझाया था चतुरा प्रोकरण ने, तभी तो वो क्या है और 11 साल की लीला यहाँ प्रतिबिंब की जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय की गौलो की शक्ति की लीला हुई वो क्या है, और उसके बाद मथुरा के बाद जरासंघ को मारने के बाद उग्रसेन को राज्य तिलक दिया, कंस को मारने के बाद और लीला क्या हुई वही कुठवाली योगेश्वर श्री कृष्ण जी की माधवपुर के मांडवे में सुंदरसा जी रुक्ष्मणी अरण की जो सब लीला है, ये वही कुठवाले विष्णु स्वरूप की 24 अवतार वाली लीला है। ये तीनों भेद 11 वर्ष और 52 दिन, 11 दिन और 112 साल की जो तीनों लीलाओं का हम 2 दिन पूरा ही विस्तार से स्पष्टीकरण करेंगे। इतना कहकर यहां वाणी को विराम देंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ, श्री सतगुरु स्वामी श्री लालदास जी, समस्त सुंदर प्रणाम।